एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स मां जेको पहिरियो टॉपिक असां डिस्कस कंदासीं उहो फर्स्ट टॉपिक असां वटि कहिड़ो हूंदो, याद रखी छॾिजो। फर्स्ट टॉपिक असां वटि आहे फोटॉन। फोटॉन छा आहे, फोटॉन जा बेसिक कॉन्सेप्ट छा आहिनि, छा आइडियाज आहिनि, काइंडली ॾिसंदा वञो। अगरि का शइ कंफ्यूजन हुजे त मूंखे ॿुधाए छॾियो, असांखे ॻाल्हि नथी सम्झ में अचे। भाई नेचर ऑफ लाइट खे डिस्कशन कई वई त लाइट जी नेचर कहिड़ी आहे, ठीक आहे। लाइट जे नेचर मुतालिक़ डिफरेंट थ्यूरीज आहिनि, उन्हनि थ्यूरी मां असां हिकिड़ी आख़िरी अप्रोच ते पुॻासीं। ऐं आख़िरी अप्रोच में छा ॿुधायो वियो त जेका लाइट आहे उनमें ड्यूअल नेचर कंसिस्ट आहे, माना लाइट पार्टिकल नेचर ते बि बिहेव कंदी आहे, लाइट वेव नेचर ते बिहेव बि कंदी आहे। लाइट जो जेको पार्टिकल नेचर हूंदो आहे उहो बज़ाहिर जेको मां वर्ड पार्टिकल चवां थो उहो इहे कहिड़ा पार्टिकल्स आहिनि, उहे सॾाइजंदा असां वटि फोटॉन। त फोटॉन असां वटि छा आहे, फोटॉन असां वटि हूंदो आहे स्मॉलेस्ट यूनिट चवां या स्मॉलेस्ट पार्टिकल चवां, छा जो पार्टिकल या छा जो यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी। भाई एनर्जी जो जेको नंढे मां नंढो पार्टिकल आहे न, नंढे मां नंढो जेको ज़रो आहे उन ज़रे खे असां छा था चऊं, फोटॉन चवंदा आहियूं। हाणे फोटॉन खे असां ॿियो छा चवंदा आहियूं, फोटॉन खे ॿियो चवंदा आहियूं डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, इनखे डिस्क्रीट पार्टिकल या डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी बि चवंदा आहियूं। ऐं वर्ड डिस्क्रीट जी माना आहे इंडिविजुअल। हाणे कीअं वर्ड डिस्क्रीट ईंदी, कीअं वर्ड इंडिविजुअल ईंदो, इन शयुनि खे असां डिफाइन कंदा वेंदासीं। फोटॉन जी नेचर में ॿुधायो वियो त जेको फोटॉन आहे उहो कहिड़ो पार्टिकल आहे, चार्ज लेस पार्टिकल आहे, माना हिन ते चार्ज न आहे, यादि रखी छॾिजो। उन खां बाद में फोटॉन ते चयो वियो त फोटॉन कहिड़ो पार्टिकल आहे, मास लेस पार्टिकल, माना इनखे मास बि न आहे। पर फोटॉन जो कहिड़ो मास न आहे हूंदो, फोटॉन जो हूंदो आहे रेस्ट मास, जंहिंखे ज़ाहिर कंदा आहियूं एम नॉट सां, जंहिंजी वैल्यू छा आहे, ज़ीरो। पर जेकॾहिं एम सी क्यूज़ में असांखे इन जो रिलेटिविस्टिक मास पुछियो वियो त रिलेटिविस्टिक मास केतिरो आहे इन जो, इन जो रिलेटिविस्टिक मास एम आहे ऐं उहो केतिरो हूंदो आहे, इंफिनिटी हूंदो आहे। इन जो रिलेटिविस्टिक मास इंफिनिटी असांखे कीअं मिलंदो आहे आख़िरकार, इन में हिकिड़ी इक्वेशन हूंदी आहे जेका असां पढ़ंदा आहियूं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जे अंदरि, ऐं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इक्वेशन सॾाइजंदी आहे मास वेरिएशन जी। मास वेरिएशन जी इक्वेशन कहिड़ी आहे, एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर एटिकल वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कुझु एमसीक्यूज़ मां तव्हांखे हिते ई ॿुधाए छॾियां। डिनोमिनेटर जो जेको फैक्टर आहे इन फैक्टर खे चवंदा आहियूं लोरेंट्स फैक्टर, या जेके लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन चइबो आहे। जेको एम आहे हिनखे चवंदा आहियूं रिलेटिविस्टिक मास, जेको एम नॉट आहे हुनखे चवंदा आहियूं रेस्ट मास, ठीकु आहे। हाणे अगरि असां फोटॉन जी ॻाल्हि कयूं त फोटॉन ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट, जेको फोटॉन आहे उहो ट्रेवल कंदो आहे छा सां, स्पीड ऑफ लाइट सां, माना फोटॉन जी जेका स्पीड आहे उहा छाजी स्पीड आहे, स्पीड ऑफ लाइट जी। त हिन इक्वेशन में वी जी जॻह ते मां छा रखंदुमि, सी रखंदासीं। इक्वेशन बीहंदी एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर एटिकल वन माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वन, वन माइनस वन जो छा जवाबु ईंदो, ज़ीरो। अंडर एटिकल ज़ीरो त जवाबु छा ईंदो, इंफिनिटी, छो त जीअं टर्म खे ज़ीरो डिवाइड कंदो आहे जवाबु इंफिनिटी ईंदो आहे। याद रखी छॾिजो फोटॉन जो रिलेटिविस्टिक मास तव्हांखे छा मिलंदो, इंफिनिटी मिलंदो, इवन के इन जो रेस्ट मास छा आहे, ज़ीरो। ऐं उहा असांखे कहिड़ी इक्वेशन मां ख़बर पवंदी आहे, मास वेरिएशन जी इक्वेशन मां। इहो ई आहे रिलेटिविटी टॉपिक कोन्हे, तॾहिं मां हिते घणो डिस्कशन कोन थो पियो कयां। फोटॉन जो कॉन्सेप्ट किथां ईंदो आहे, फोटॉन जो कॉन्सेप्ट ईंदो आहे हिकिड़ी थियरी मां, जंहिं थियरी खे असां छा चवंदा आहियूं, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। प्लैंक्स क्वांटम थियरी छा आहे, प्लैंक्स क्वांटम थियरी आहे that energy absorbed or emit out, jeka energy a wa absorb hi thi sake thi ya wa energy emitted thi sake thi, par ke je form mein, in the form of packets of energy,
आई उन्हें पैकेट्स ऑफ एनर्जी के साथ छा चाहिए होसी उन्हें पैकेट्स ऑफ एनर्जी के साथ चाहिए होसी फोटॉन्स यानी के इलेक्ट्रॉन जरे ट्रांजिशन कंदो तो इलेक्ट्रॉन इकड़ी एनर्जी गेन कंदो या ते एनर्जी लॉस कंदो अगर लोअर टू हायर बने ते एनर्जी गेन कंदो अगर हायर टू लोअर अचे ते एनर्जी लॉस कंदो यानी गेम इट आउट कंदो वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करे या एमिट आउट करे ना वो के जी शक्ल में कंदो एब्जॉर्ब या एमिट आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स अच्छा सवाल यो है जी केतरी एनर्जी एमिट आउट कंदो या केतरी एनर्जी जका वो एब्जॉर्ब कंदो एनर्जी जका एनर्जी हुंदी वो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी आ छा सा फ्रीक्वेंसी सा एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी अगर इन प्रोपोर्शनल की साइन हटायो तो इक्वेशन छा मिलंदी ई इज इक्वल टू एच एफ एंड एच जो नालो छा है एच जो नालो है प्लैंक्स कांस्टेंट प्लैंक्स कांस्टेंट जो डायमेंशन के साथ मैच थींदो आ एंगुलर मोमेंटम सा द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट मैचेस विद एंगुलर मोमेंटम याद रखी छ जो बिनी जो यूनिट साथ हुआ तो बिनी जो डायमेंशन साथ हुआ एच की वैल्यू केतरी आ एच की वैल्यू आ 6.63 इनटू 10 रेज टू द पावर -34 जूल इनटू सेकंड आई एंगुलर मोमेंटम जो भी यूनिट आ वैल्यूज तो ना यूनिट वो साथ होता हो जूल इनटू सेकंड तले चवा तो एंगुलर मोमेंटम आई प्लैंक्स कांस्टेंट जो डायमेंशन मैच थी दुआ अच्छा उन्हें का बाद में एकरी एनर्जी की इक्वेशन असामट की जा E is equal to HF पर हे के जे लाया याद रखी चल जो फॉर सिंगल फोटॉन अगर एकड़ो फोटॉन होदो तो उन फोटॉन की जका एनर्जी आ वो छ जे बराबर HF जे बराबर E is equal to HF अच्छा इन जा डिफरेंट फॉर्म्स क्या भी थी सकन था अच्छा हम ता सामने डिफरेंट फॉर्म्स थी एकरी एनर्जी की इक्वेशन मा छ लिखी ता जे लाए E is equal to HF और F ये का दे C अपॉन लैम्डा रखना सी एनर्जी की इक्वेशन छ थी पोदी HC ओवर लैम्डा या एनर्जी ऑफ फोटॉन आ इक्वेशन तो सही है f की जगह पे मां c / लैम्डा पुट कयो आ हाने ते जका c आ वो स्पीड ऑफ लाइट आ जका वेवलेंथ आ वो लाइट जका एमिट आउट थी उन जी कान का पर्टिकुलर वेवलेंथ आ ते e = hf इक्वेशन आ e = hc / लैम्डा उने का बाद में एकरी ता बी इक्वेशन पढ़िया मास एनर्जी इक्वेशन जेके चेबो आ e = mc² एने के डिवाइड कयो ने जी बी इक्वेशन खांदी एने के की डिवाइड कदा थी दिसो mc एज इट इज रखो इन ब्रैकेट में माते c रखा माना जो c स्क्वायर और के डिवाइड दे उसी c मल्टीप्लाई बाय c सा करे सकू ता डिफरेंट मास इनटू वेलोसिटी या मास इनटू स्पीड छा होदो आ मोमेंटम तब एनर्जी इक्वेशन ए उठांदी e is equal to p into c mc जगह ते p रखंदा सी एनर्जी की बी इक्वेशन के लिए चाहिए एनर्जी की बी इक्वेशन चाहिए e is equal to p into c यानी के मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय स्पीड एना मा मोमेंटम भी फाइंड करे सकू ता किएं c बार होता मल्टीप्लाई तो करे ये जी चाहना दो डिवाइड द मोमेंटम बराबर की होती एनर्जी डिवाइडेड बाय c क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 ये टर्म ध्यान में रखी चाहिए सभी ताकि जो एनर्जी जो इक्वेशंस मिला दे रहा असा हेव सब्स्टिट्यूट करे सको था 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 ये असा वट छ है ये असा वट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो इक्वेशंस एना मा सा मोमेंटम ए वेवलेंथ जो रिलेशन मालूम करना सी जो का उधर मा पढ़ाई नो डीप रो है हाइपोथेसिस में वो माता हेता ही बुदा जिना तुम्हें इक्वेशन छा मिल दिया दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू वेवलेंथ छा बराबर मिल दिया वेवलेंथ बराबर मिल दिया h / p जका p आ वो मोमेंटम आ आई लैम्डा छा है ते वेवलेंथ या जका इक्वेशन आई छा सदा जन दिया या सदा जन दिया डी ब्रॉय हाइपोथेसिस एने के जवा दायु डी ब्रॉय हाइपोथेसिस ये गिवन टर्म्स सब ये कंडीशंस ध्यान में रखी छजो यो आई फोटॉन जो कांसेप्ट जेमे कुछ एनर्जी या एनर्जी जो कंडीशंस इस्तेमाल की ने माने इक्वेशन से एक बार न्यूमेरिकल गया वो इन जे मुतर एकड़ा ब्याप कुछ एमसीक्यूस थीदा केड़े तरीके सा जेकर मिसाल तौर मा ता के चवा त अमाउंट ऑफ एनर्जी असा के मिलेला केतरी एनर्जी मिलेला 10 रेज टू द पावर -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तबो के छा मालूम करे देखा जो फ्रीक्वेंसी
होने का बाद में सेकंड क्वेश्चन आ द अमाउंट ऑफ एनर्जी माता के जाम हुआ केत्रिया हुआ आए 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा आगे छा मालूम करनिया ता के मालूम करनिया वेवलेंथ ये बार इक्वेशंस आए एनर्जी देई करे फ्रीक्वेंसी पूछा तो एनर्जी देई करे वेवलेंथ पूछा तो एनर्जी देई करे फ्रीक्वेंसी पूछा के इक्वेशन इस्तेमाल करनो इन मा वेरी वेरी इक्वेशन ई इज इक्वल टू एचएफ द टर्म से ते इस्तेमाल कयो ई इज इक्वल टू एचएफ फ्रीक्वेंसी कबे फ्रीक्वेंसी छाडे बराबर दी पवंदी फ्रीक्वेंसी बराबर दी थी ई डिवाइडेड बाय एच अच्छा एनर्जी कितनी मिलला था 10 पावर माइनस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जोड़ में तब्दील कयो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जोड़ ना मैं लिख रहा हूं वहां ताकि 1.6 * 10 पावर माइनस 19 द 10 पावर माइनस 10 रिमेंस है मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जगह चार बना सी 1.6 * 10 रे टू द पावर माइनस 19 ये जोड़ में ताकि मिलन दो आई एच ई के त्रिवेल हुआ 6.63 * 10 रे टू द पावर माइनस 34 ये ताकि टर्म से मिली गया इजीली सॉल्व करे सकदो ताने ऐसा एडे तरीके सा पर इन दे जो ता के ता वेवलेंथ कपे थोड़ी रीअरेंजमेंट करे जा बाकी ता टर्म सीधी करे दी दो इक्वेशन की इस्तेमाल किया है ने मा सेकंड इक्वेशन द सेकंड इक्वेशन की लगला ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा लैम्डा आई घणी मने इन दे दे पणिए जो एच सी ओवर एनर्जी एच सी के थ्री वैल्यू आ 6.63 * 10 पावर माइनस 34 सी के थ्री वैल्यू आ 3 * 10 रे टू द पावर 8 या ता के सीजी वैल्यू मिली डिवाइडेड बाय ई एनर्जी के तरीके में ना 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा जो मतलब छाए 10 पावर प्लस 6 आई इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जगह छाए कना सी 1.6 * 10 पावर माइनस 9 ये जो को 1 मेगा है मेगा जो मतलब छाए 10 पावर 6 ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू जूल जूल में छोटा कन्वर्ट क्यों छोटा सा ऐसा यूनिट से नंबर मिला था अगर ना कन्वर्ट करा तो ऊपर सा दो यूनिट में ना मिला तो तमाम सिंपल अरेंजमेंट आ रिसो आने ये जो 1.6 आ एनर्जी टेबल 1.6 से 1 टाइम्स आई 6.63 के तकरीबन 4 टाइम्स भी थी ये होती हुई थी सब आने न्यूमरेटर में छा बजो को दो 10 पावर माइनस 10 10 पावर माइनस 19 छा जो आबी दो 10 पावर माइनस 29 ये माइनस ज्यादा है माइनस जाउन भी है माने माइनस जाउन ट्री है डिवाइड करना छा सा 4 * 10 रे टू द पावर माइनस 34 न्यूमरेटर में 1 आ डिनोमिनेटर में 4 आ 1 डिवाइडेड बाय 4 माने एक जो चौथा हिस्सा और एक जो चौथा हिस्सा कितना मिला था 0.25 * 10 पावर माइनस 29 आगो माइनस 34 मते बने थे प्लस जो 34 0.25 * 10 पावर माइनस 29 प्लस 33 घणो जवाब दे दो प्लस जा 5 डेसिमल के एक नंबर एरिया घणी ना छा जवाब दे 2.5 * 10 रे टू द पावर प्लस 1 का है या माइनस 1 माइनस तो 5 माइनस तो माइनस किया घणो बदल दो 4 आई एनर्जी फ्रीक्वेंसी मालूम कई ऐसा यूनिट हर्ट्ज एड़े तरीके से हेठा भी टर्म सॉल्व करे सको ता देखो 1.60 टेबल 6.63 देखे कितने टाइम्स है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 घणो दी दो 12 * 10 पावर माइनस 34 सेम रहा दो ए प्लस जा 8 माइनस प्लस जा 6 मते बनता है माइनस जा 6 माइनस जा 9 मते बनता है प्लस जा 9 टर्म से सॉल्व करो देखो तो ये रिमेंस सेम इनटू 10 रे टू द पावर माइनस 23 माइनस 6 घणा क्या माइनस 40 माइनस 40 आई प्लस 8 घणा बचा माइनस जा 32 आई माइनस जे 32 मा अगर 19 हो जन माने 32 मा 19 कट जे 9 बचता माइनस जा 13 इते दियो माइनस जो 13 ये आगे में सपोज दी जन माइनस 13 डेसिमल इति आई नंबर एडी करिए जा 1.2 * 10 पावर आई में प्लस 1 करनासी माइनस 13 प्लस 1 घणो जवाब दी दो 1.2 * 10 पावर माइनस 12 मीटर आई 10 पावर माइनस 2 होवा पिकोमीटर तो 1.2 पिकोमीटर ये शो का हमारा इस तरह से
ఈజీ ఆ కల్క్యులేషన్ థోడో థోడో సిర్ఫ్ అరేంజ్మెంట్ దిస్టోయిదనే మాతాంగే 1.6 ఐ 6.63 కరెక్ట్ ఉదాశిరు బై 1.6 కి టేబుల్ 6.3 కి హౌ మచ్ టైమ్స్ మీది 4 టైమ్స్ మీది బగ్గి అరేంజ్మెంట్ ఆయన మా సాల్వ్ కరి సపోటా ఆ ఈ ఉంజున్ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ జే ముతల్లి కొంచెం ఐడియా దిగో సా ఫోటాన్ మే తే యూస్ కరుసి ఫోటాన్ మే ఫెడరల్ బుక్ మే కుజ్ ఎంసీక్యూస్ గివెన్ లాస్ట్ సమరీ క్వశ్చన్స్ మే హమో కే యాద అజరణ కే బాద్ థ్యూరీ పడాయ కే మసజా సవాల్ సాల్వ్ కరాయా ఆయి वो क्वेश्चंस आए नंबर ऑफ फोटॉन्स जी बुनियाद थे माता के पोया एक इक्वेशन सॉल्व कराई हुई तो जे का इक्वेशन ई इज इक्वल एच एफ आई गणन फोटॉन से लाइफ के बोला फॉर सिंगल फोटॉन नॉट मोर देन वन फोटॉन एक फोटॉन का वधिक ना सिर्फ एकड़े फोटॉन से लाइफ के बोला पर जे ना सावट एन नंबर ऑफ फोटॉन्स जंद को इक्वेशन की इस्तेमाल करना सा भाई वी आर डीलिंग विद द एन नंबर ऑफ फोटॉन्स जरे ता एन नंबर ऑफ फोटॉन्स दे बिंदो तो को इक्वेशन छा ठांदी को इक्वेशन ए ठांदी या ई इज इक्वल टू एन एच एफ ये इक्वेशन है एन में जो का एनर्जी या वचा जे बराबर है एन एच एफ आई ये समझो जो को एन ना उन जो क्यूरी की वैल्यू सी से बन दियो उन जो वैल्यू थी इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू हलंदा वणो कैसे टाइम इनफिनिटी टाइम जितनी का वैल्यू रखो आने ये के ताके एन जी वैल्यू 1 2 3 4 नजर चन दियो ना एन दे लवर्ड इस्तेमाल करना डिस्क्रीट तो फोटॉन में माता के लिख रहा है तो फोटॉन समझ चाहे डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी वर्ड डिस्क्रीट जो मतलब ही होता है तो एनर्जी वैल्यू 1 होती 2 होती 2.2 ना होती 2.3 ना होती माने डेसिमल ना होता होल नंबर्स में लाना था दिया के याद रखिए क्या जो डिस्क्रीट वर्ड ही माना गया है तो ये जो का इक्वेशन है ना ये एकड़े फोटॉन के लाइन है बल्कि ये छाजे लाइन एप्लीके बोला फॉर एन नंबर ऑफ फोटॉन्स और एमसीक्यूज आई ब्रो गिवन एमसीक्यू दियो गिवन आ द तावट बिन किस्म जा फोटॉन आए केड़ा बिन किस्म जा फोटॉन आए एकड़ो रेड कलर जो फोटॉन आ बियो आए ब्लू कलर जो फोटॉन ये ब फोटॉन साइन ये एड़े तरीके सा फोटॉन सा मटा आइन त बिनी जी का एनर्जी आ हुआ सेम आ माने बिनी जी का एनर्जी आ वो बिनी जी एनर्जी सा चार किया सेम रखिया सवाल ये बात अगर एनर्जी एनर्जी सेम आ त नंबर ऑफ फोटॉन्स के में घणा होंदा रेड वाले में या ब्लू वाले में सवाल ये हो यानी कि व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स घणे के में होंदा सॉल्व कई वने इक्वेशन की दिसो अरेंजमेंट ता की खबर पवंदी मां चवा तो रेड फोटॉन सही ब्लू फोटॉन एकड़े फोटॉन की गाल नथो कया एन नंबर ऑफ फोटॉन की गाल क्यों था यानी कि ई इज इक्वल टू एन एच एफ एनर्जी इक्वेशन भी मान लेता हूं ई इज इक्वल टू एन एच एफ और एन भी कांस्टेंट है एंड एच भी कांस्टेंट था एफ आ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी की ये कहीं सी ऐसा रेड जी अच्छा अगर ऐसा ब्लू दे चाहूं तो ई इज इक्वल टू एन एच आई फ्रीक्वेंसी मां की ये खण दो ब्लू जी मां छा तो चवा तो बिनी जी का एनर्जी आ हुआ छाए सेम आ बिनी जी एनर्जी पाण में बराबर करना सी एनर्जी 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 बराबर थे टर्म्स भी पाण में बराबर की पौंदा केड़ा टर्म एन एच एफ फॉर रेड इज इक्वल टू एन एच एफ फॉर ब्लू थी सके तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इन जा डिफरेंट हो जन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर रेड को लिखाई ते मां इते नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर ब्लू तो एच वालो टर्म एच में गेट कैंसिल थियो बाकी इक्वेशन छा बची नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर रेड फ्रीक्वेंसी फॉर रेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर ब्लू फ्रीक्वेंसी फॉर द ब्लू माना नंबर ऑफ फोटॉन्स ही फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है छो त एनर्जी जी का मल्टीप्लिकेशन आ एनर्जी जी का मल्टीप्लिकेशन आ वही पण छा है बराबर है तो सेम तो जवाब अचे ना ये आईडिया बॉयल्स लॉ वाला इस्तेमाल कयो वॉल्यूम एंड प्रेशर जी प्रोडक्ट कांस्टेंट हुंदी आ तब गैसेस करना P1 V1 P2 V2 अलदा विदा ऑफ टू PN एड़े तरीके का कंडीशन इस्तेमाल करना सी आणे मुखे ये उदाहरण देने मिनिमम फ्रीक्वेंसी घणे के जी आ रेड कलर जी या ब्लू कलर जी ब्लू जी फ्रीक्वेंसी वधिक ब्लू इज ब्लू जी का फ्रीक्वेंसी आ वधिक एज कंपेयर टू रेड कलर जी वेवलेंथ घणी आ विद योर
वायोलेट का रेड की तरफ अचो, वायोलेट का रेड की तरफ फ्रीक्वेंसी घटती नहीं रही तो पहला रेड तो अच्छे ब्लू तो अच्छे पहला ब्लू तो अच्छे रेड आखिर हेट में आ तो मथा का जी हेट इंदा तो फ्रीक्वेंसी घटती नहीं रही माना मथे की फ्रीक्वेंसी घटी आ हेठे की फ्रीक्वेंसी घटा तो याद रखी जो ब्लू की फ्रीक्वेंसी वधी का रेड की फ्रीक्वेंसी घटा हाने बिनी की प्रारंभ करनी आ पाण में बराबर थोड़ा टेक्निकल सोचो अगर इन की वैल्यू वधी का तो गड़े जी के नंबर ऑफ फोटॉन्स हुंदा वो छा हुंदा घट हुंदा तरह तो प्रोडक्ट कांस्टेंट मिलने गुर्जे ना माना एकनी शे वैल्यू वधे तो की शे वैल्यू घटे आ इते फ्रीक्वेंसी घटा तो नंबर ऑफ फोटॉन्स वधी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के जा वधी पे जाता आगे रेड कलर जा तो याद रखी जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर ब्लू कलर इन जे ला शर्त छ इन जे ला शर्त या इन जी एनर्जी छ हो गुर्जे डिफरेंट एनर्जी सेम हुंदी तो कोई ये मालूम बंदा से या माता आगे ने जो शॉर्टकट बताया इन जो शॉर्टकट ही आ अगर ता के एनर्जी अगर ता के एनर्जी सेम दे इफ एनर्जी इज सेम अगर ता के एनर्जी सेम भी नहीं आई ता का नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं तो नंबर ऑफ फोटॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ माना जे में नंबर ऑफ जे में वेवलेंथ गणी उन में नंबर ऑफ फोटॉन्स गणा हाने कंपेयर कयो तो रेड कलर जी वेवलेंथ गणी या ब्लू कलर जी रेड जी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स की रेड जा तेरे में ता यो तरीको इस्तेमाल करे सकता पर बशर्त चाहे रे में ता एनर्जी शामिल गुर्जे सेम गण गुर्जे तो पास्ट पेपर में एड़ा सवाल आया है तेरे के थोड़ो समझ जो इन कंडीशंस का अगर मोमेंटम के बताएं तो एनर्जी के छा फर्क पवंदो मोमेंटम के बताएं तो एनर्जी के छा फर्क पवंदो इक्वेशन साम लिखी पईया सी कांस्टेंट ता एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम अगर मोमेंटम के बताएं तो एनर्जी ता हाजी बदल बहरहाल ये कंडीशन याद रखी छजो यो आई बेसिक आईडिया रिगार्डिंग द फोटॉन्स फोटॉन के मुतलक असा ये कांसेप्ट इस्तेमाल करना है हाने जी पार्टिकल नेचर डिस्कस कयो हो यानी कि कैप्चर कयो हुआ जी पार्टिकल नेचर डिस्कस कयो हो द पार्टिकल नेचर से इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन पर रेडिएशन जो कैसा इंटरेक्शन थेणवा इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर असा रेडिएशन जो इंटरेक्शन कनासी मैटर सा सवाल ही बात जो को रेडिएशन जो इंटरेक्शन मैटर सा थी दो वो केडी काल से डिपेंड कंदोवा याद रखी छजो या पॉइंट डिपेंड कंदिया डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एनर्जी उन रेडिएशन जी केतरी एनर्जी आ उन एनर्जी ते यो प्रोसेस कंदोवा डिफाइन केडो प्रोसेस इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर आ एनर्जी ते की डिफाइन कंदोवा बुद जो जेकन असा मा टेकलो रेडिएशन आ जेके असा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फोटॉन चवंदा सी ठीक आ उना फोटॉन जी एनर्जी इफ एनर्जी उना फोटॉन जी जेका एनर्जी आ जेके मा ई सा तो जाहिर कया हुआ लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उना फोटॉन जी एनर्जी अगर उना फोटॉन जी एनर्जी लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए तो उते जेको प्रोसेस थणो आ उना प्रोसेस के असा छा चवंदा सी उना प्रोसेस के असा चवंदा आयो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद रखी चलो इफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जेका अमाउंट जेको जेको प्रोसेस थणो आ जेको फेनोमेना थणो आ वो असा वट केडो होंदो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सवाल यो असर केडा केडा रेडिएशन साइन जिन जी एनर्जी लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ कोई माता ने बुधा छना ओए आईआर भी थी सकन था ओए विजिबल भी थी सकन था या ओए यूवी भी थी सकन ये थ्री टाइप्स ऑफ रेडिएशन साइन जिन जी एनर्जी लेस देन छा खाए 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी लेस देन 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए अगर एनर्जी लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए तो इफेक्ट जो नालो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व थी दो आई केड़ा केड़ा रेडिएशन वो करे सकन था वो ही रेडिएशन से पास्ट पेपर में जो मतलब एकड़ो एमसीक्यू आयला तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ज्यादातर केड़े रेडिएशन से लाइक एप्लीकेबल थी दो वो यूवी के लाइक
याद रखी चर्चो असा जेके ज्यादातर मैटर्स इस्तेमाल कंदा हो न उन मैटर्स में छा इस्तेमाल कंदा हो असा यूवी इस्तेमाल कंदा हो अल्ट्रावायलेट हे भी इस्तेमाल करे सकूं था पर इन जो कुछ अलग कंडीशंस हैं मां ता के बुधाया इने में जेकर असा वट मेटल सीजियम ऑक्सीडाइज्ड मेटल आ जेकर असा वट मेटल जो नालो छा सीजियम ऑक्सीडाइज्ड मेटल त उन में जो असा मिनिमम रेडिएशन इस्तेमाल कंदा सी माना वो रेडिएशन जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ घट में घट फ्रीक्वेंसी वो भी इस्तेमाल कर सकूं था पर घट में घट कड़ो इस्तेमाल कर सकूं था जिते तुम घट में घट आई आर इस्तेमाल कर जेकर मेटल प्लेट छाजी ठहला सीजियम ऑक्सीडाइज जी ठहला तब ओते घट में घट कड़ी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करना सी आई आर जी इस्तेमाल करना सी जेकर तुम वट पोटेशियम या सोडियम आ इन जे ला ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल करना सी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थव विजिबल ये ता बुक जा एमसीक्यू दे थ्योरी के अंदर जेकर ता घट में घट फ्रीक्वेंसी ए इस्तेमाल कंदो तो घट में घट विजिबल इस्तेमाल कंदा सी तो ए हुंदा सीजियम ऑक्सीडाइज मेटल 2016 एमडीकेट में आयला तो जेकर हे मेटल सरफेस हुंदो तो मिनिमम केडी रेडिएशन इस्तेमाल कंदा सी वो इंफ्रारेड इस्तेमाल कंदा सी बाकी जेके ब्या मेटल साइन अदर मेटल्स उन अदर मेटल्स जे लाइ ता छा इस्तेमाल कंदो अदर मेटल्स जे लाइ सा यूवी इस्तेमाल कंदा तो बहरहाल ये टे एमसीक्यू जेको मां याद रखी सके पाण एन प्रोसेस ते बाद मींदा सी माने टॉपिक के फाइनल में टॉपिक जो नालो आए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मां थोड़ो ओवरव्यू ता के दे छजा भाई इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर केनो मैटर क्यों होदो उन मैटर सा इंटरेक्शन केर ची कदो रेडिएशन रेडिएशन केड़ो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना फोटॉन वो छाते डिपेंड कदो अमाउंट ऑफ एनर्जी ते एनर्जी अगर लेस देन हिन वैल्यू का है द इफेक्ट जो नालो छाए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट केड़ा केड़ा रेडिएशन करे सकन ता ये हे रेडिएशन करे सकन ता इने अगर सीजियम ऑक्सीडाइज्ड मेटल प्लेट आर मिनिमम केयर ची कदो आयर कदो माना इन का वधिक थी सकन था इन में अगर चाहूं असा इन में यूवी इस्तेमाल करे सकूं था पर आईआर का घट न था वनी सको मिनिमम जो मतलब यो अगर सोडियम या पोटेशियम आ तो मिनिमम छा इस्तेमाल करना सी विजिबल या तबिया मेटल सुना छा इस्तेमाल करना सी यूवी इस्तेमाल करना सी अगर वो जनरल एमसीक्यू द जीने तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट केड़ा रेडिएशन दे एप्लीकेबल आ यू हैव टू गो थ्रू यूवी सो द ज्यादातर जी के मेटल्स रोने में छा इस्तेमाल की दो यूवी से इस्तेमाल करना अच्छा उन्हें का बाद में जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ है छा तमाम सिंपल कांसेप्ट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्वड बाय हेनरी हर्ट्ज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कयो हो छा हो इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में असा वट एकरो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुयो जेने ब मेटल प्लेट्स हुई ठीक आ एकरी मेटल प्लेट केडी हुई एकरी मेटल प्लेट हुई असा वट कॉनकेव टाइप माना थोड़ी मुड़ेल हुई इन तरीके सा ऐ बी जका मेटल प्लेट हुई वो बिल्कुल स्ट्रेट हुई सिद्धो ए ब मेटल प्लेट्स आ इन पिन मेटल प्लेट जो कनेक्शन थे उसी कंप्लीट ऐ की ये कनेक्शन कंप्लीट थे उसी इन दिस मैनर जी असा ने जो कनेक्शन कंप्लीट करे जिते एकड़ो मीटर आयो सी दैट इज कॉल्ड एमिटर ठीक आ इता असा छा कनेक्ट कई सी इता कनेक्ट कई सी बैटरी ए बैटरी जा सप्लाई आ उने का बाद में इते असा छा कनेक्ट कयो सी एकड़ो स्विच कनेक्ट कयो सी फॉर ऑन एंड ऑफ पर्पस ऐ नमा पैरेलल असा एक डिवाइस कनेक्ट कई सी that is named as the voltmeter ekro mcqs yaad rakhi chaljo ta circuit je andar ba instrument istemal kayun tha ekde instrument jo naalo emitter je ko chaje lai istemal karna hai emitter mana current ai do voltmeter chaje lai voltage je lai ya potential difference je lai je ko emitter a wo hamesha series me lagando a je ko voltmeter a wo hamesha parallel me lagando a remember this one voltmeter current series me to lagi sake voltmeter is always connected parallel बाकी जो एमिटर है वो हमेशा के नरदा सी ऐसा सीरीज में रहता सी ने में मेटल प्लेट्स आए दिस वन ही बैटरी जी सिंपल देखा है वो वही है इन में क्या कनेक्ट करना हम सा पॉजिटिव जो का नडी सिंपल टाइम ना हुआ नेगेटिव याद रखी चलो
जेका प्लेट पॉजिटिव सा कनेक्टेड आ वो पॉजिटिव चार्ज हुंदी माने एनोड आई जेका नेगेटिव सा कनेक्टेड आ वो कैथोड थी पोंदी माने नेगेटिव चार्ज त ही जेका प्लेट आ या छाती पोंदी पॉजिटिव माने एनोड ही छाती पोंदी नेगेटिव यानी कैथोड हते असा सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल कंदा से जे मा लाइट बाहर निकरंदी हाडे बुझ जो मुजी गाल जेकडे कैथोड हन जो ठेला के जो सीजियम ऑक्सीडाइज्ड जो त घट मा घट लाइट सोर्स मा केडी लाइट बाहर निकरंदी इन जो मतलब यो जेकडे कैथोड प्लेट या त केजी या त एनएजी या सोडियम या पोटेशियम दिया त घट मा घट केडी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कया या त जेको मेटल हुजे उन जरा छा इस्तेमाल कंदा सु जुड़ी असा सोर्स ऑफ लाइट इस्तेमाल कईसी इन मा लाइट निकरंदी बाहर लाइट बाहर निकती इन एनोड साइट न कराई बाकी के साइट कराइंदा से असा कैथोड सा चीट कराइंदा से माना ये ना है ना कि ये ना समझो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के द एनोड सामू पे वा लाइट बिंदी द एनोड का पासो करे निकली नहीं ना ये समझो द एनोड के बे साइड ते लगा ना लाइट सीधो वही के साइड का दी कैथोड ते वही हिट करे थी जी लाइट कैथोड ते वही हिट कर दी त कैथोड मेटल आ आई ता की खबर आ मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है सही है अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद आए तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बदलती एक्साइटेड थींदा अगर एक्साइटेड थींदा तो वे जेके फ्री इलेक्ट्रॉन्स वे कार्य निकरंदा बाहर निकरंदा थे ना कैथोड प्लेट मा इलेक्ट्रॉन्स निकरंदा बाहर याद रखी छ इन कैथोड प्लेट मा इलेक्ट्रॉन्स निकरंदा बाहर आणे इन इनिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के सा छा चवंदा हूं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आए छा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इनिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ए इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के था फ्रॉम अ मेटल प्लेट केम मेटल प्लेट मा पर उन मेटल प्लेट के छान दासी व्हेन अ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी जने असा इतनी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी उन में हण दासी व्हेन अ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट जने इतनी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी असा उन ते हण दासी त अमा जके इलेक्ट्रॉन्स इन वे बाहर निकरंदा आ उन इफेक्ट के असा छा चवंदा उन इफेक्ट जो नालो आए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आणि कुछ टर्म्स याद रखी चल जो इनजा जेके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकरंदा उन इलेक्ट्रॉन्स जो नालो छ आहे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आइकन इलेक्ट्रॉन जी वजह सा जको करंट बाहर निकरंदो उन जो नालो छ आहे फोटो इलेक्ट्रिक करंट या उन के फोटो करंट भी ता चई सको था फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट भी चई सकौ था जेके इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल प्लेट मा बाहर निकरंदा उन इलेक्ट्रॉन जो नालो छ आहे फोटो इलेक्ट्रॉन्स आई बदले में जको करंट पास थिनो उन जो नालो छ आहे फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट करंट किए पास थिंदो जने स्विच के बंद करना सी स्विच के बंद करना सी त करंट किथा पास थिंदो पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव कन्वेंशनल करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव इंदो याद रखी चलजो ए पॉजिटिव का इंदो ए कार्य की तरफ भी तो नेगेटिव की तरफ भी तो इन तरीके सा जको करंट पास थिंदो उन करंट जो नालो असा वटी हुआ और सवाल यो कि ये करंट के गाल पे डिपेंड करदो ये शे वो सा वटी एमसीक्यू में हां समझ जो इनन में एते मा सब एमसीक्यू लिखदो तो वना सबनी का पे राचो फोटो करंट ते फोटो करंट के ते डिपेंड करदो फोटो करंट तमाम सिंपल आईडिया है करंट की जी वजह से पैदा थयो फोटॉन के करते अन्या को जवाब सुइटेबल इशार इशार के अंदर लिखता है इलेक्ट्रॉन लिखता है तो यानी कि इलेक्ट्रॉन दे डिपेंडेंट था यानी जो मतलब आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स पेइंग आ गया फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन छो लिखता लाइट की यूनिट है आई लाइट छाए फोटोन है जो कोया पढ़ायो जेते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स वधंदा आने बुदो जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स वधंदा ओतरा इलेक्ट्रॉन्स वधिक निकरंदा अगर ओतरा इलेक्ट्रॉन्स वधिक निकरंदा तो करंट घणो पास थी पाव
अच्छा नंबर ऑफ फोटॉन वधाइण सां छा थियो नंबर ऑफ फोटॉन वधाइण सां छा थियो नंबर ऑफ फोटॉन वधाइण सां इंटेंसिटी वधंदी ॾिसो ही मेटल प्लेट आहे इन में हिकिड़ो फोटॉन अची लॻंदो ऐं हिकिड़ी ही मेटल प्लेट आहे इन में 10 फोटॉन अची किरंदा हाणे पाण टेक्निकल सोचो त इंटेंसिटी हिकिड़े वारे में घणी आहे या 10 वारे में घणी आहे नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटेंसिटी सां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे directly proportional to the intensity intensity cha ji intensity of light and yo vari inversely proportional hundo a cha sa inversely proportional hundo a square of the distance between source and plate source and plate ye bich mein jo distance a here diso hey source of light ho inna source ka vathi inna plate tai jo distance a una distance ke paar cha chawanda si d ai una law ke cha chebo a je mein inversely proportional to the square of the distance ho je inverse square law coulomb's law na inverse square law coulomb's law also called inverse square law gravitational law also called inverse square law they be inverse square law pe ho ke kando gal samajh gayi ye kuch shey mujhe mein rakhi chajo inme ai ye sab inna mcqs ho te kedi shey ke ke depend kare thi bhai haane jo inne graph te inne jo graph cha cha thi sake to pehle diso haane सबनी का पहले पहले ग्राफ दे चमो सा पहले परो ग्राफ के बीच में आ पहले परो ग्राफ आ है करंट एंड जो के बीच में इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में ऐसा ठाइंदा सी ग्राफ करंट एंड इंटेंसिटी के बीच में देखो फोटो करंट हिते आ एंड ये सब एक बे सा छा है अब तो देखो करंट एंड इंटेंसिटी भी एक बे सा छा है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल त ग्राफ स्ट्रेट ठांदो या कर्व स्ट्रेट स्ट्रेट ठाणो आ ग्राफ ही यानी कि इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी करंट इंटेंसिटी जे डिपेंड कंदो या गाल हुंदी याद रखी सके अगर इंटेंसिटी सेम त करंट सेम अगर इंटेंसिटी डिफरेंट त को करंट डिफरेंट थी एडे तरीके सा एकड़ो बियो ग्राफ आ जेको करंट ए डिस्टेंस जे बीच में आ जेको आ करंट ए डिस्टेंस जे बीच में यानी कि आई एंड डी जे बीच में हाने पाण दिसो इता करंट हते खणो डिस्टेंस हते खणो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल से केडी लाइन ठांदी कर्व लाइन ठांदी होगी यानी कि डिस्टेंस बताया सा करंट की वैल्यू घट थी थी फोटो सेल एकड़ो एक्सपेरिमेंट हुंदो आ उन फोटो सेल में एकड़ो काठ जो वडो एकड़ो ट्यूब ठेर हुंदो आ उन काठ के अंदर एकड़ो बल्ब लगल हुंदो जो बरंदो आ करंट की वजह सा को असा उन सोर्स के अगते खणी विदा और परते खणी विदा डिस्टेंस के दिसी करे अगते खणदा सी त प्लेट इन सोर्स बीच में डिस्टेंस घट थी दो त करंट बदंदो यानी कि लाइट की इंटेंसिटी बदंदी बढ़िया सामने के परते खड़ी विदा से द डिस्टेंस बदल दो तो करंट घट दो मतलब लाइट की इंटेंसिटी घट दी तो बल्ब घट कर दो ए जो ध्यान में रखी चलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो दो एड़े तरीके से अगर मां ग्राफ ठाया के बीच में करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में तो जो का लाइट में दे किरी उन जी का फ्रीक्वेंसी होती असा यो ऑब्जर्व कयो सी तो फ्रीक्वेंसी चेंज करण सा करंट दे कोई भी फर्क न पियो इट मींस वी गॉट द स्ट्रेट लाइन देयर असा के स्ट्रेट लाइन मिली यानी कि इनमें करंट की वैल्यू छा रही करंट की वैल्यू सेम रही ता भले फ्रीक्वेंसी बदायो घटायो कोई फर्क न पोंदो फ्रीक्वेंसी ने जो करंट याद रखी छ जो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो को करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ते छाए इंडिपेंडेंट ऑफ बाकी करंट डिपेंड के दे कंदो करंट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बाकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड प्लेट गाल समझ आई थे अच्छा मां इते एकडो वर्ड इस्तेमाल कयो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी छो वर्ड सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ने इस्तेमाल कयो हो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी उन में इस्तेमाल कयो त इन में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हुंदी आ उन फ्रीक्वेंसी जो नालो छा हुंदा उन फ्रीक्वेंसी जो नालो हुंदो आ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद रखी छजो इन गाल के आई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के छा सा जाहिर करना आयो एफ नॉट सा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छा हुंदी आ मिनिमम फ्रीक्वेंसी घट मा घट फ्रीक्वेंसी जका नीड हुजे छा जे लाई नीड हुजे रिक्वायर्ड टू
emit out electron jeme asa electron ke cha kayo emit out kayo ai ke tha emit out kayo from the metal surface ghat ma ghat frequency je ma ta electron ke metal surface ma cha kayo emit out karayo un ghat ma ghat frequency ke sa cha chavanda hu un ghat ma ghat frequency ke sa chavanda hu threshold frequency so threshold frequency is the minimum frequency required to emit out the electron from metal surface यानी के मां हने कैथोड प्लेट ते चाहे जीडी तो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल कया एकडी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉन निकतो वरीगडी बी इस्तेमाल के वरी इलेक्ट्रॉन निकतो वरीगडी ट्री इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉन निकतो आखिरकार छो छाजे करे रीजन अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे ता इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी माने जैसे ता इलेक्ट्रॉन के ईआर फ्रीक्वेंसी नडीदा से तैसे ता इलेक्ट्रॉन बाहर कथो निकली सके आईया वदमा वद फ्रीक्वेंसी कोने या घटमा घट फ्रीक्वेंसी या माने अगर मैं ना घट फ्रीक्वेंसी नहीं ने इलेक्ट्रॉन ना निकल दो एना का वद फ्रीक्वेंसी दी सी इलेक्ट्रॉन कार निकल दो बाहर निकल दो इन फ्रीक्वेंसी के ना चाच बताए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी साथ डिपेंड कर दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल याद रखी चल जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर दिया चाहते नेचर ऑफ मेटल पे माना जगह ना मेटल चेंज करो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज दी दी आई सोलो कमो यो दिसो जगह मेटल सीजियम ऑक्सीडाइज्ड का ते केडी फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करना सी सिंपल है जे सोडियम एंड पोटेशियम का चाय इस्तेमाल करना सी आई जे अदर मेटल सा चाय इस्तेमाल करना सी माना मेटल प्लेट चेंज करण सा लाइट चेंज थेती माना फ्रीक्वेंसी चेंज थेती भाई तो याद रखी छ जो जगह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वो छाते डिपेंड कर दी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल अगर मेटल जी नेचर चेंज करदा से तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज करनिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सा कनेक्टेड असा चा इस्तेमाल करना है असा एकडो बियो टर्म इस्तेमाल करना है दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन जेके असा वर्क फंक्शन भी चवंदा है आणे वर्क फंक्शन असा की रिलेट करदा सी वर्क फंक्शन के दिसजो पर इते मा ता के आईडिया दे छला अगर मा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का घट जा ता पोछा किदो अगर मा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ध्यान छाती दो अगर मा फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वधिक ध्यान तो पोछाती दो आणि जेकर मुजी गिवन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का घट होजे आणि मा छा गाल कही तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी घट मा घट फ्रीक्वेंसी या माने इन का घट फ्रीक्वेंसी जा छा इलेक्ट्रॉन बाहर निकरदा नहीं निकरदा छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थिंदो तो याद रखी छ जो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना आयखण में ठीक आ छा फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड के बराबर की माने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है नहीं निकलता द आंसर इज यस मिनिमम फ्रीक्वेंसी दा है ना यानी के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंस थी हो जे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंस पर हाने के थोड़ी चेंजिंग थेया वइया त फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट छणोता है पर जे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलदा उन जी काइनेटिक एनर्जी जीरो आ माने इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलदा अगते नमीदा तो काइनेटिक एनर्जी मोशन में होती है इलेक्ट्रॉन वजन तो मोशन है काइनेटिक एनर्जी जीरो है इलेक्ट्रॉन जी यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर निकलना तो याद रखी छ जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थिंदो पर जी काइनेटिक एनर्जी शाम होती है जीरो अच्छा आखिरी प्रोसेस थे तो चाइना में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थिंदो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैपेंस हाने देखो इलेक्ट्रॉन करंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड है हाने जब भाई बराबर होया इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता पर फ्रीक्वेंसी उन का भी वधी का तो बकाया फ्रीक्वेंसी काले ली थी वो काइनेटिक एनर्जी में हली गई एने जो मतलब बात है ने केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एने केस में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थिंदो ही ना एने केस में सिर्फ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थियो पर में फोटोइलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चार थी जीरो थी नहीं एने में फोटोइलेक्ट्रिक के हैपन भी थिंदो आ इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में लगी छो जो तमाजी जका गिवन एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी उन्हें गिवन फ्रीक्वेंसी का वधी का मिसाल तौर माता आगे जा
तो भाई इलेक्ट्रॉन के कटण के लिए फ्रीक्वेंसी या 5 हर्ट्ज मां यानी 4 हर्ट्ज तो चार 4 हर्ट्ज से निकल दो सर तो कटण के लिए 5 भला 5 याद है निकल दो पर कांड की नदी छा होती भला 6 याद 5 मां निकल दो बाकी एक कार्य भी तो एक ये है तो ये कंडीशन याद रखी चाहिए रिगार्डिंग द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बाद में एकड़ो बेयर टर्म इस्तेमाल थी तो आईने में दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन आई वर्क फंक्शन के जाहिर करना हो असा चासा हन सिंबल सा प्रोनाउंस एज अ फाइल फाइल सा साइन के प्रोनाउंस करना है वर्क फंक्शन चाहे वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो या मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव जेका रिक्वायर्ड होती है छाजे लाए रिक्वायर्ड टू रिमूव आर एमिट आउट द इलेक्ट्रॉन जे में असा इलेक्ट्रॉन के छा कयो एमिट आउट कयो किथा इलेक्ट्रॉन के एमिट आउट करदो फ्रॉम द मेटल सरफेस यानी कि सिर्फ एकड़े वर्ड जी चेंजिंग आ आई वर्ड जी केडी चेंजिंग आ शफीक त फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी जो वर्ड आ आई वर्क फंक्शन में एनर्जी जो फंक्शन आ द वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस उन घट में घट एनर्जी के असा छा चवंदा आ वर्क फंक्शन आई वर्क फंक्शन भी छाते डिपेंड करदो आ याद रखी चल जो वर्क फंक्शन depends upon nature of matter agar nature of matter change kando yani ki agar ma metal sorry metal change kando to po work function bhi different chhanwa bhai electron ke kadne ke liye ghat ma ghat energy a 5 electron volt theek a ma dini 4 electron volt to 4 electron nikranda na nikranda mana mujhe energy work function ko pehla 5 yaad nikranda hai na nikranda par wahi to kadne ki energy cha hundi same case ho frequency a energy a अच्छा भला 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया तो 5 मां निकलंदा बाकी हिकु काडे विंदो काइनेटिक एनर्जी में किया कंडीशन तो यानी कि जेके फ्रीक्वेंसी जा टर्म समझाया मा ना ये सबई टर्म्स के में इस्तेमाल करदा होता वर्क फंक्शन में डिफरेंस ही हुआ तेते वर्ड फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करदा होते वर्ड चाहे इस्तेमाल करदा सी इयो ब नेचर ऑफ मेटल दे डिपेंड करदो अगर मेटल चेंज थींदो तो वर्क फंक्शन डिफरेंट था अगर मेटल चेंज थींदो तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट ये ब टर्म्स हैं जेके नेचर ऑफ मेटल ते कंदा हैं डिपेंड आणि इन में एकडो आहे पोटेंशियल पोटेंशियल वाला कांसेप्ट आणि जेके ब्या कांसेप्ट्स इन आइन्स्टाइनस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आणि ब्या नेला कुठे ग्राफ्स केन आहे कोई ग्राफ सम नेक्स्ट लेक्चर में दो ता काय दिने की थोड़ो डाइजेस्ट करो ये सब जे ता समझ में आ उने का बाद में ता डिस्कस करना अच्छा एक री गाल मा ता ने बताया अगर ता बुक पढ़ दो बुक ठीक है ता बुक में पेया पेया भाई ऐसा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने एक्शन कंटिन्यू किया है ठीक है ऐसा कुछ फंडामेंटल टर्म्स पे डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन का पैरा मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पढ़ाई था आगे उन फ्रीक्वेंसी जो ना लोयो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहे मिनिमम फ्रीक्वेंसी उन अच्छा एक दे घट में घट फ्रीक्वेंसी या घट में घट वो फ्रीक्वेंसी है जेमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थेनो आ माने जगह का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का घट होंगी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व न हो थी सके द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छाते डिपेंड कर दिया नेचर ऑफ मेटल पे मेटल के नेचर पे अगर मां मेटल चेंज करो छा जो मेटल चेंज करना सी वो मेटल जे मेटल जो कैथोड थया ना तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स निकलन पया अगर मेटल चेंज करदा सी तासा की जेका रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ और डिफरेंट खानी पौंदी जगर सीजियम ऑक्सीडाइज्ड मेटल प्लेट आ सीजियम ऑक्सीडाइज्ड मेटल प्लेट खणदा सी त उन में केडी लाइट इस्तेमाल करदा सी इलेक्ट्रॉन्स के बाहर कढण जे लाए आईआर इंफ्रारेड रेडिएशंस
जगह पोटेशियम या सोडियम इस्तेमाल करता सी विजिबल आई जगह सा अदर मेटल्स में वो ज्यादातर सा यूवी इस्तेमाल करता है माने जी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी हुई ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो दिया आई उन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ आ जावंदा आयो वर्क फंक्शन जावंदा आयो तो वर्क फंक्शन आई छा वर्क फंक्शन का मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी घट में घट अमाउंट ऑफ एनर्जी जका छा हो जे रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन जका नीड हो जे छा जे लाए इलेक्ट्रॉन के रिमूव करण जे लाए रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस मेटल सरफेस का अगर मुके इलेक्ट्रॉन के रिमूव करनवा तो जका घट में घट एनर्जी रिक्वायर्ड होती आ उन घट में घट एनर्जी के छा चवना वर्क फंक्शन आई घट में घट फ्रीक्वेंसी के छा चवना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेकंड पॉइंट ने जो मुतलिक तो वर्क फंक्शन छा ते डिपेंड करदो आ तमाम सिंपल आ बात आ के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आईडिया ले चुको आ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल तो जो वर्क फंक्शन है वो भी छाते डिपेंड कर दो डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल याद रखी छ जो एक नेचर ऑफ मेटल के जो को वो डिपेंड कर दो जेकर हम मेटल जी नेचर चेंज कया मेटल जी नेचर चेंज कर जो मतलब छ डिफरेंट मेटल्स खणो जेके कैथोड या ठेल आए तो बदले में जेका लाइट इस्तेमाल करदा सो बस आके डिफरेंट खणी पवंदी तो द मेटल के चेंज करण सा डिफरेंट वर्क फंक्शन के हम डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आनिया वर्क फंक्शन की इक्वेशन ते छो तो एनर्जी ता के खबर आ फोटॉन की एनर्जी छारे बराबर होता है E is equal to HF हाने E के अगर वर्क फंक्शन में लिखा हूँ तो छारे करना सी Y बल्कि H कांस्टेंट है जिसका F आवा छाने तब दिल दिखो दी F not में F not चार सकता है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि वर्क फंक्शन अगर डिटरमाइन करना हुआ तो वर्क फंक्शन में जिसका आसान की इक्वेशन मिलने दी वाई है तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच कांस्टेंट एंड एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आइता खबर पे कि द वर्क फंक्शन जाते डिपेंड कर दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नेचर ऑफ मेटल के तरह जवाब द वर्क फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल व्हाइल इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हाट विल हैपेंस विद द वर्क फंक्शन जेकर लाइट की इंटेंसिटी बताए तो वर्क फंक्शन ते छा फर्क पवंदो कोई फर्क ना पवंदो जेकर लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज कयो तो वर्क फंक्शन ते छा फर्क पवंदो कोई फर्क ना पवंदो जेकर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बदे वर्क फंक्शन ते छा फर्क पवंदो वर्क फंक्शन ते कोई फर्क ना पवंदो छा मेटल चेंज कयो तो कोई वर्क फंक्शन ते फर्क पवंदो आंसर इज यस सो याद रखी छजो नेचर ऑफ मेटल ते ही या से डिपेंडेंट आ है इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन शयो ते डिपेंड ना करदो वर्क फंक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मेटल इन जे मुतलिक भी कुछ कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज याद रखी छजो जे मा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में समझाया हुआ भाई जगह वर्क फंक्शन लेस देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन हो जे जगह वर्क फंक्शन इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन हो जे जगह वर्क फंक्शन ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन हो जे तो कुछ आगे दो अगर वर्क फंक्शन लेस देन अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन द नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर्स भाई के भी किस्म जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना आए थे तो द वर्क फंक्शन का मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मां चाह तो जमा ते जेका वर्क फंक्शन है वो उन एनर्जी खा बल घटता यो पॉसिबल ना है जे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी घट का करना तो इलेक्ट्रॉन्स ना का निकल अच्छा इन केस में जो इन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी दो या न थी दो आंसर इज यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर्ष पर फर्क चाहे तो काइनेटिक एनर्जी छा थी जीरो थी थी अच्छा जेकर इन ते अचो तो इन ते छा थियणो आ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर्ष फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर्ष थी तो ये बकाया जो एनर्जी बचे दी वा छा में तब्दील थी पवंदी काइनेटिक एनर्जी में एक केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो के बराबर था तो ये कुछ लॉजिकली कंडीशन याद रखी चल दी मां के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो आईडिया दिया एफ नॉट इज लेस देन एफ इन में छा एफ नॉट इज इक्वल टू एफ इन में एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ ये सेम सपोजिशन
आ इने में जका ई मा जातो वो एनर्जी ऑफ फोटॉन आ आई को फोटॉन की एनर्जी केतरी आ एच एफ जे बराबर ये गिवन कंडीशंस आ इन मा रिलेट करे सको ना डी वाई बेसिक आईडिया रिगार्डिंग द वर्क फंक्शन आ बर टर्म्स इस्तेमाल किया केड़ा बर टर्म्स इक्रोज में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड यो थ्रू इस्तेमाल वर्क फंक्शन इन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन का बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ट्रियो टर्म इस्तेमाल की दुआ जेके चार चवंदा आयो जेके चवंदा आयो सा स्टॉपिंग पोटेंशियल छा स्टॉपिंग पोटेंशियल को नो सा आईडिया रेट करना सी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय द वी नॉट सा सा जेके कंदा आयो रिप्रेजेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल आहे छा स्टॉपिंग पोटेंशियल को पोटेंशियल नाले मा कुछ न कुछ जाहिर थे तो जेको छाजे लाय कमीदो जेको स्टॉप जे लाय कमीदो अच्छा के स्टॉप करण जे लाय कमीदो इलेक्ट्रॉन्स के स्टॉप करण जे लाय कमीदो आ इलेक्ट्रॉन्स के केडे तरीके सा स्टॉप करण जे लाय कमीदो हे दिसो ही असा वटे ते एकनी प्लेट आ जेके असा एनोड डालो नोसी इते असा वटे एकनी बी प्लेट आ जेके असा कैथोड डालो नोसी आ इते असा छा इस्तेमाल कयोसी सोर्स ऑफ लाइट जेका एनोड आ उने के छा सा कनेक्ट कयोसी असा बैटरी जे पॉजिटिव टर्मिनल सा तने या सावट चाती होयो पॉजिटिव टर्मिनल आई कैथोड के छासा नेगेटिव सा कनेक्ट कयो सी तो वो नेगेटिव प्लेट थी वेगा असा सोर्स ऑफ लाइट के ते इस्तेमाल कयो सी एनोड ते या कैथोड के कैथोड ते नेता जेका सोर्स ऑफ लाइट आ इनवा जेका लाइट निकरन दी वो लाइट के सा मगी टकराए जंदी कैथोड प्लेट सा कैथोड प्लेट में दूसरी बाउंड इलेक्ट्रॉन सा फ्री इलेक्ट्रॉन सा जेके जेके सरफेस ते जेको मूव कंदा वो बदले में चाती तो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी मिलंदी अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिलंदी तो वो इलेक्ट्रॉन्स का निकलंदा वो इलेक्ट्रॉन्स निकलंदा बाहर सो इलेक्ट्रॉन्स इता निकता बाहर जेके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकता उन के फोटो इलेक्ट्रॉन्स चवंदा सी आ इन वजह से जेको करंट पैदा थो उन के फोटो इलेक्ट्रिक करंट चए हुआ सो ये गिवन कंडीशन याद रखी जाजो ये बेसिक टर्म असा डिस्कस कया सी कोई थी हाने असा छा कदा सी अच्छा हाने छा कदा सी दिसो हाने सा के करनो चाहे जेके टर्मिनल्स हो यार बैटरी जा जेके ता पॉजिटिव टू नेगेटिव आईडिया दे डिस्कस किया है इन टर्मिनल्स के थोड़ो चेंज करो आ टर्मिनल्स के की चेंज कदा सी द बैटरी जो को पॉजिटिव टर्मिनल एनोड सा कनेक्टेड हुयो आ नेगेटिव टर्मिनल कैथोड सा कनेक्टेड हुयो सो इन के ता रिवर्स करे छियो पाजी बैटरी के रिवर्स करण सा छाती तो बुझजो रिवर्स करण सा ये थी दो तो जे को एनोड हुयो वो आ छाती पोंदो कैथोड थी पोंदो आ जे को कैथोड आ वो छाती पोंदो बिकम्स एनोड थी पोंदो इन तरीके से आने समझ जो स्टार्टिंग वाले केस में छा होयो स्टार्टिंग वाले केस में होत जे इलेक्ट्रॉन्स उता निकरंदा वो इलेक्ट्रॉन्स कार्य का वजन टुवर्ड्स द एनोड प्लेट यानी कि अगर को इलेक्ट्रॉन इते मौजूद होयो त वो इलेक्ट्रॉन जको मूव करे को वो इन डायरेक्शन में मूव करे को इन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की छाती मिले इन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की मिले भाई काइनेटिक एनर्जी आई वो इलेक्ट्रॉन्स कार्य मूव पे अगर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर का टुवर्ड्स एनोड प्लेट वो छाथियो वो बुझ जो जी असा टर्मिनल्स चेंज कया सी टर्मिनल चेंज करण का पूछा थियो इलेक्ट्रॉन ते नेगेटिव चार्ज है इते छाए नेगेटिव चार्ज और हेरे चार्ज ही वही पॉजिटिव चार्ज ते इन इलेक्ट्रॉन्स के वरी तो बैकवर्ड फोर्स लगदो उन फोर्स के ता छा चवंदा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उन जी वजह सा जका एनर्जी दी उन के इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चवंदा है वा जका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ वा जाडे बराबर थी वा बराबर थी पवंदी ई बी डॉट जे या एनर्जी की इक्वेशन आ आई एनर्जी की इक्वेशन इता मिलंदी आ ताके पोटेंशियल जो फार्मूला याद आ वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल रिमेंस सेम वर्क सागो रखो चार्ज इलेक्ट्रॉन आ ई कदासी वर्क केते या ई एरे की मल्टीप्लाई थी पोंदो तो वर्क जाडे बराबर थी पोंदो चार्ज इनटू पोटेंशियल तो सेम आ लिखो चार्ज इनटू पोटेंशियल उन अपन पोटेंशियल के सा वी नॉट चाहता पया एंड दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल उन पोटेंशियल के सा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहता यानी के जैसे टाइम बैटरी या टर्मिनल से सा चेंज न पया आसी तैसे टाइम जेके इलेक्ट्रॉन साइन उन में काइनेटिक एनर्जी इन दिस डायरेक्शन आ
चलता है यह सामर्थ्य हो यो पॉजिटिव यह सामर्थ्य हो नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन मिला पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में दिया वो मां चाहतो जमा देता हूं जो टर्मिनल चेंज करो टर्मिनल चेंज करने का ही नेगेटिव की पोंदो ही पॉजिटिव की पोंदो इलेक्ट्रॉन्स के बैकवर्ड फोर्स लगंदो उन फोर्स जो नाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जेका एनर्जी परदेश की पोंदी उन के पोटेंशियल एनर्जी चवंदास आई वो पोटेंशियल एनर्जी छाडे बराबर ई वी नॉट उन जी इक्वेशन सामु थई पया वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल आने सा के करनो चाहे आने या जेका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ इलेक्ट्रॉन्स की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर की पोंदी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की माना थोड़ो टेक्निकल सोचो अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वधी को जाते इलेक्ट्रॉन हेले ले वनिया अगर पोटेंशियल एनर्जी वधी को जाते इलेक्ट्रॉन कार्य ले वनिया बोलती ले वनिया पर माचा तो जवान भाई पाण में बराबर की वजन तो इलेक्ट्रॉन ना उन साइड भी तो ना इलेक्ट्रॉन उन साइड भी तो वो बराबर करण साथ यो छा बराबर करण साथ यो दी तो इलेक्ट्रॉन के भी टर्मिनल की साइड ते नहीं तो अगर के भी टर्मिनल की साइड ते लगो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ता जो जीरो थी तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव गंदा है टेबरी एडो पोटेंशियल जेते ता जो करंट जीरो थी तो वने दैट करंट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो करंट उन पोटेंशियल के असा चार्ज बनदा है स्टॉपिंग पोटेंशियल चवंदा है बाबा वरी ने थोड़ो रिपीट क्या ताई जी थोड़ो हेले ध्यान दियो हाने ही असा वट पॉजिटिव प्लेट री ही असा वट नेगेटिव प्लेट री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव प्लेट मा निकता गाने पे हमने पॉजिटिव प्लेट ले माने इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी मिले पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ हेडी मा कयो छा मा बैटरी या टर्मिनल चेंज पे बैटरी या टर्मिनल चेंज कारण सा ही पॉजिटिव थियो ही नेगेटिव थियो इलेक्ट्रॉन के प्रो बैकवर्ड फोर्स लगो माने बैकवर्ड डिग्री पोटेंशियल एनर्जी आए वो पोटेंशियल एनर्जी चाहे बराबर ई वी नॉट ले मा चाह तो जमा त अगर ये भई पाण में बराबर थी बने तब वो इलेक्ट्रॉन ना फॉरवर्ड मूव कंदो ना इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड मूव कंदो यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव ही न तो करे अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही न कंदो तो करंट की वैल्यू शादी पवंदी इन पोटेंशियल के जमाना स्टॉपिंग पोटेंशियल तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आहे छा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द रिवर्स पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल अस आवट आए रिवर्स पोटेंशियल जे रिवर्स पोटेंशियल ते छा थियणो आ रिवर्स पोटेंशियल एट बुच जे ते छा थियणो आ एट बुच फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जे में फोटो इलेक्ट्रिक करंट छाती पोंदो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो उन रिवर्स पोटेंशियल के चार्ज चमदायो उन रिवर्स पोटेंशियल के चमदायो स्टॉपिंग पोटेंशियल याद कर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के भाई पाण में बराबर है छा भाई पाण में बराबर निकली काइनेटिक एनर्जी आ जो चार्ज बराबर आ जो बराबर ई वी नॉट आणि जेका काइनेटिक एनर्जी मिली उन काइनेटिक एनर्जी के चार्ज चमदासी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ना कम अधिक नथी थी सके जो दिसो छो नथी वधिक थी सके जो तो काइनेटिक एनर्जी इन डायरेक्शन में पॉजिटिव हुई ना तेसी ताई पजेस हुई जैसे ताई ही फोर्स नपियो लगे आणि जी ए फोर्स लगंदो तो काइनेटिक एनर्जी ते फर्स्ट पोंदो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू मा कट के आनिया ते हेना कंडीशन ते जिका काइनेटिक एनर्जी पजेस दिनियो ने के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जवंदासी तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखा छा ठांदी 1/2 mv स्क्वायर जिका काइनेटिक एनर्जी पड़ी तो या चार्ज बराबर की पोंदी चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर ता मके वेलोसिटी मालूम करनिया तो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड तो करे ए वाली मल्टीप्लाई कदो आई m मल्टीप्लाई तो करे ए जी डिवाइड कदो तो जेका मैक्सिमम वेलोसिटी स्क्वायर आ या चार्ज बराबर की पोंदी 2 ev नॉट डिवाइडेड बाय m स्क्वायर खत्म करना छाडी ना आयो अंडर रूट दिंदा हो तो जेका मैक्सिमम वेलोसिटी आ चार्ज बराबर की पोंदी रेडिकल ऑफ 2 ev नॉट डिवाइडेड बाय मास आई मास के जो इलेक्ट्रॉन हो जेका सपोजिशन ता के जाय कर गाल देन में बैठी ई आख्या कंडीशन याद रखी छ जो इन माता इलेक्ट्रॉन जी वेलोसिटी डिटरमाइन करे सको का एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी यानी इन का अधिक वेलोसिटी कोने इन का अधिक वेलोसिटी शो कोने माता का जो रीजन है जो तो काइनेटिक एनर्जी है ये तो एक प्रो फोर्स लगो जिनकी वजह से रिक्वायर्ड वेलोसिटी का वेलोसिटी घटती होगी आणि इन मा एक प्रो कुछ या न्यूमेरिकल अच्छी सके तो न्यूमेरिकल ता को बताया न्यूमेरिकल ये की सके जो अगर ता पोटेंशियल ले ता मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम कर सको ता
इवन के जका चार्ज की वैल्यू आ मास की वैल्यू आ कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वैल्यू 1.6 * 10 पावर -19 इलेक्ट्रॉन जो मास के थ्रू 9.1 * 10 पावर -31 तो ये भाई कांस्टेंट इन बल्क पोटेंशियल दिनो तथा इजीली मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम कर सको था। मिसाल तौर अगर माता के जमा स्टॉपिंग पोटेंशियल आए 64 वोल्ट्स जो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 64 वोल्ट जो आ तो मालूम करे देखा जो तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन की सके थी एग्रो द शॉर्टकट माय समझा दो शॉर्टकट के लो बियो तो या एक्चुअल मेथड तमाम सिंपल आ टू ई की जगह पे इलेक्ट्रॉन की चार्ज वी नॉट की जगह पे चार्ज करता सी 64 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय एम चाहे उन जो मास तथा ये भी कैलकुलेट कर सको था। अदरवाइज जगह मां ये सभी वैल्यूज इन में पुट कया केड़ी केड़ी वैल्यूज मां चार्ज भी पुट कया मास भी पुट कया आई टू भी कांस्टेंट आ ये सभी पान में मल्टीप्लाई कयो आई डिवाइड भी कयो ये सभी पार्ट में मल्टीप्लाई करके मैं डिवाइड भी कयो देन जो जवाब ही तो 6 * 10 पावर 5 बाकी अंडर रूट में चारा तो जस्ट वी नॉट यानी कि अगर मां ये सभी वैल्यूज पुट कया केड़ी केड़ी वैल्यूज चार्ज एंड मास इन टू इन सभी के पार्ट में सॉल्व भी कयो आई ने जो अंडर रूट भी सॉल्व कयो तो ये जवाब ही तो 6 * 10 रेस्ट टू द पावर 5 बाकी जो ही आ रेडिकल वी नॉट को सेम रहो आणे इक्वेशन जो फायदो छाथियो द वी नॉट की जगह ते असा सिर्फ वैल्यू पुट करदा से इन सेम इक्वेशन में की रेट ना तो वैल्यू सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 * 10 रेस टू द पावर 5 अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल गणो आ 64 6 * 10 रेस टू द पावर 5 64 जे रेडिकल चाहि दो 8 अठटा जोड़ दिनो आज 8 मल्टीप्लाई बाय 6 गणो दी पोंदो 48 * 10 रेस टू द पावर 5 अच्छा वेलोसिटी या यानी कि मीटर पर सेकंड इतने भी जवाब से कंडीशन हो था या डेसिमल इत्यादि कितने नंबर एरिया खड़ी है जान 4.8 * 10 रेस टू द पावर डेसिमल एरिया खड़ी दो तो प्लस 1 का दोस 5 प्लस 1 मीटर पर सेकंड छा जवाब ही दो 4.8 * 10 रेस टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड ये था उन्होंने इलेक्ट्रॉन जी मैक्सिमम वेलोसिटी जैसा वो इलेक्ट्रॉन निकल रहा सो इन इक्वेशन में ता के पोटेंशियल ली दो यू कैन इजीली डिटरमाइन देयर वेलोसिटी ता वेलोसिटी के इजीली डिटरमाइन कर सको यू आई बेसिक कांसेप्ट रिगार्डिंग द स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिवर्स पोटेंशियल आ जे रिवर्स पोटेंशियल ते फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो थनो माने इलेक्ट्रॉन्स सर्किट मा पास नथीदा आ इलेक्ट्रॉन सर्किट मा की पास नथीदा ही होयो कांसेप्ट इन जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पाण में बराबर थी पवंदी जितनी हेडा एनर्जी लगंदी ओतरी हेडा एनर्जी लगंदी इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव न कंदो अगर सर्किट में मूव न कंदो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज ही पवंदो जीरो थी पवंदी या कंडीशन ध्यान में रखी जो हाणे एजी के रिलेशन समझाया इन के दरमियान में एकड़ो रिलेशन था तो मेरा रिलेशन कल लिखाया मा ता के केड़ा रिलेशन लिखाया होया तो करंट के इनते डिपेंड कंदो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के डिपेंड कर दो नंबर ऑफ फोटॉन्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स के डिपेंड कर दो इंटेंसिटी से इंटेंसिटी डिस्टेंस जो पाण के रिलेशन आ इनवर्सली विद द स्क्वायर हां एकडी सीरीज हुआ जे मेरे की चलो एकडी डी सीरीज चांदी थे वो बी सीरीज की चांदी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल के दरमियान में तमाम सिंपल कांसेप्ट आ दिसो अगर मैं इते रेट करना चाहया करंट टर्म के अंदर रेट करना चाहे मेरे दिसो जितना जितना काइनेटिक एनर्जी आ वो काइनेटिक एनर्जी के डिपेंड थी करे पोटेंशियल ते आई एड़े तरीके से आइता जितना वेलोसिटी नजर थे जे आइता वेलोसिटी वो वेलोसिटी के डिपेंड थी करे पोटेंशियल ते तो इता एक रिलेशन था दो वो रिलेशन चार्ट था दो वो रिलेशन याद रखी चल जो रिलेशन ही आ जितना काइनेटिक एनर्जी आ केजी काइनेटिक एनर्जी आ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती छा सा वेलोसिटी सा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जितनी बढ़ती काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती
आई अगेन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस आए अगेन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए पोटेंशियल सा एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल आई यू स्टॉपिंग पोटेंशियल केस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सा इन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो माता आगे रीजन ही तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट आ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ क्या हुआ वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हुआ यो मा वेव्स में ता पढ़ायो द काश अगर फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ पे साइन वर्स की रिलेटेड आए अगर ये पॉइंट एक पे सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए तो वेवलेंथ साइन वर्स की रिलेट करना हाँ एवरी सीरीज जी का माता के करंट इंटेंसिटी जी समझाई हुई एंड बी सीरीज है सामू थई पड़ी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ये सभी कंडीशन ध्यान रखनी जरूरी है इन जो ग्राफ डिस्कस करना सी ता पे आईडिया मिली तो हाँ इतना एक टेक्निकल एमसीक्यू था वो एमसीक्यू ही हुआ तो जेकर हम फ्रीक्वेंसी के डबल करें इफ वी डबल द फ्रीक्वेंसी जेकर फ्रीक्वेंसी के डबल क्यों तो काइनेटिक एनर्जी छा थी थी हाँ बार में थोड़ा कंफ्यूज थी ना खुद बार चवन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सा तो जेकर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डबल करना सी तो काइनेटिक एनर्जी डबल थी थी द आंसर इज नो याद रखी चाहे जो इंक्रीज थी थी पर डबल नहीं थी सकी अच्छा आखिरकार फ्रीक्वेंसी की खड़ा सी जेका फ्रीक्वेंसी खड़ा सी वही होंगी केड़ी फ्रीक्वेंसी एफ माइनस एफ नॉट आणि f माइनस f नॉट जो रिलेशन आ बताय फ्रीक्वेंसी जो रिलेशन कोने या गाल याद करजो छो त भाई इलेक्ट्रॉन्स अच्छा जेका लाइट दींदा से उन जा बकम हुंदा केड़ा बकम हुंदा एकरो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर कडन जो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी जन जैसे त इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकरंदा त काइनेटिक एनर्जी के थाई सबनी का पे यानम के जो f नॉट जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो अगर ये फ्रीक्वेंसी दींदा से त को उन का को काइनेटिक एनर्जी ते छा फर्क पे तो को कंडीशन क्रिएट करना सी अगर फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स थे तो काइनेटिक एनर्जी बदलती जरूर पर 3 टाइम्स कान बदलती जो 3 टाइम्स कोन बदलती जो त पेरा कमा इलेक्ट्रॉन्स के बाहर कटन तो वा त फ्रीक्वेंसी उन में मिली ना बाकी जेका फ्रीक्वेंसी बचती वा काइनेटिक एनर्जी सा रिलेट करनी तो याद रखी चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए पर डबल या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स जो कोई रिलेशन हो ये कंडीशन ध्यान में रखी चाहिए जो एफ माइनस एफ नॉट एनर्जी फ्रीक्वेंसी या काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ दिस जो अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी जो पान में ग्राफ टाइम तो ग्राफ केड़े तरीके से रिलेट कर सकम था इते ब एक्सिस आए एको वाई इंटरसेप्ट आ जो एक्स इंटरसेप्ट आ यानी कि एको वाई एक्सिस जो एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस आ उन में ऐसा छा रखी सी काइनेटिक एनर्जी आई एक्स एक्सिस में ऐसा छा रखी सी फ्रीक्वेंसी रखी सी या का याद रखी करे अच्छा हाने जी ही मां लाइट की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करू जी लाइट की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करना सी त छा इलेक्ट्रॉन्स के उन वक्त ही काइनेटिक एनर्जी दी द आंसर इज नो सबनी का पहला कम छा इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकरण चाहे इलेक्ट्रॉन हर फ्रीक्वेंसी के बाहर निकलंदो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाहर निकलंदो जो ग्राफ आ वो ओरिजिन का शुरू नहीं दो ग्राफ की दो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का शुरू तो दबाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्रॉस करदा सी तो कोई उन में काइनेटिक एनर्जी थियानी आ हाने हाने अगर मां काइनेटिक हाने मां फ्रीक्वेंसी बताइनु ना तो हाने के जी वैल्यू बदंदी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बदंदी तो हाने यू गॉट द स्ट्रेट ग्राफ हाने ता के ई ग्राफ मिलंदो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के बीच और सवाल यो सर जेका पे या एनर्जी की जिस हुआ काले भाई हुआ एनर्जी हुआ है जेका इलेक्ट्रॉन के बाहर कडंदी आई हुआ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जेका इलेक्ट्रॉन के बाहर कडंदी और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मालो छ होयो त जेका पे या ता एनर्जी जी उन जो ग्राफ ही आ आई उन एनर्जी के साथ छा चवंदा सी वर्क फंक्शन चवंदा सी हाने बुदो उनी गाल ता जेका एनर्जी जी नी ना उन एनर्जी जा बकम होया केड़ा एनर्जी जा बकम होया एकड़ो इलेक्ट्रॉन के बाहर कडन दो इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी जन
हे जो पोर्शन है यो इलेक्ट्रॉन के छा दीदो आई हिन पोर्शन जो कम छा इलेक्ट्रॉन के जस्ट बाहर रख इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी ना खपो अचनी आ पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ना तो हेता इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना अगर इन बिनी के पान में ऐड करू काइनेटिक एनर्जी वर्क फंक्शन के हुआ चार सरदा जने टोटल एनर्जी हुआ चार बराबर hf के बराबर माना माजे का hf इनो न जब कम होता केड़ा बका होता एकरो इलेक्ट्रॉन्स के बाहर कडन जेको केड़े पोर्शन में चढ़वा हिन पोर्शन में आई ब्लू केड़ो कमा ब्लू इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी के जेको वर्क फंक्शन जे आईडिया में सा पढ़ी चुका है ओ ही कांसेप्ट है वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन एनर्जी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आका किंतु काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर कर ले जेको नॉट इक्वल्स टू 0 या गिवन कंडीशन इज अक्रॉस इते इते अगर ता का एमसीक्यूज में इन जो स्लोप पूछो मने तो स्लोप छा जे बराबर स्लोप छा हुंदो आ tan थीटा आई tan थीटा छा राइज अपॉन रन तब राइज में केडी वैल्यू आ काइनेटिक एनर्जी आई रन में केडी वैल्यू एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी नचो चो f माइनस f नॉट जो दो फ्रीक्वेंसी बताए बुदा चुको आ खाली फ्रीक्वेंसी f ना है या फ्रीक्वेंसी छा सदा जे दिया या सदा जे दिया f माइनस f नॉट थोड़ो टेक्निकल सोचो ने काइनेटिक एनर्जी कदे आईदी जरे इलेक्ट्रॉन निकले ना बाहर इलेक्ट्रॉन करे निकलदा जरे हेब त निकले ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी त ही पोर्शन हटाई करे पो दिसो तब जे का गिवन फ्रीक्वेंसी आ नमा हे फ्रीक्वेंसी कटी तो बयान मा तने f माइनस f नॉट चवंदा सी त काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय f माइनस f नॉट आई ए यो ने जो स्लोप आ वो छाले बराबर आ इन जो स्लोप आ h के बराबर आई जो h आ वो छा सरा जदवा फ्लेंक्स कांस्टेंट याद रखी चल जो ने आई आई अन्या मोर सिंपलीफाई ता के मा बुदाया द काइनेटिक एनर्जी जो यूनिट छ आई जोल आई फ्रीक्वेंसी जो शाम दो हर्ट्ज जोल अपॉन हर्ट्ज हर्ट्ज हुंदो आ सेकंड इनवर्स के बदले कनी वणो सेकंड दी पोंदो जोल इनटू सेकंड ते इन जो यूनिट आ त ता यूनिट मा भी समझी सको था इन जो जो स्लोप आ न वो छाले वो असा के जवाब दी जो h जो याद रखी सको h द फ्लेंक्स कांस्टेंट देयर ग्राफ समझ में आयो ये ग्राफ ओरिजिन का शुरू ना है छनो ग्राफ छो ओरिजिन का शुरू लाए जणो जो तबे जा इलेक्ट्रॉन्स के कडो बाहे वा के ताले करंदो f नॉट का उने का वो काइनेटिक एनर्जी पजे थी पवंदी ए ही ग्राफ असा ड्रा करना पोटेंशियल एंड गेन फ्रीक्वेंसी के दरमियान में यो सेम असा वट ग्राफ करंदो पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के दरमियान में ये असा वट आए पोटेंशियल आई इते असा चाहे अच्छा पोटेंशियल केडो पोटेंशियल इज स्टॉपिंग पोटेंशियल आई उने का बाद में ये असा वट चाहे ये असा वट आए फ्रीक्वेंसी इते सेम आईडिया है इलेक्ट्रॉन देसी ताई ना निकरंदो जेस ताई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोने आई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर हिता आईदी त इलेक्ट्रॉन जो अच्छा इने जो को ग्राफ आ वो असा ही रिलेट करे सको सेम हो या जो को काइनेटिक एनर्जी आई फ्रीक्वेंसी के दरमियान में खड़े हो इने जो अगर असा स्लोप मालूम करन चाहू त इने जो स्लोप भी आंसर दी दो और वो स्लोप छाजे बराबर बाद में डिस्कस क्यों था राइज यानी कि पोटेंशियल आई डिवाइडेड बाय रन में फ्रीक्वेंसी ने कदा से पर केडी फ्रीक्वेंसी f माइनस यो छाजे बराबर है ते साचो था क्या पहला याद रखी चीज ने स्लोप इने जे बराबर था पोटेंशियल डिवाइडेड बाय f माइनस f नॉट तो ये ता सर्टेन जा ग्राफ डिस्कस करे सो गाल समझ में आई अच्छा एरे तरीके से अगर मां काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी जो ग्राफ ठाण चाहया काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आई ते मां छातो ड्रॉ किया ते मां ड्रॉ किया तो इंटेंसिटी आणे पाण थोड़ो सोचो तो किथे भी मां बुधायो ता कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ना है ते जो मतलब चाहे वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन देयर ता के स्ट्रेट लाइन देयर जो मतलब चाहे इने जो मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी जेका काइनेटिक एनर्जी आवा चाहे काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट आ आई चाहे काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट आ काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जेका लाइट जी इंटेंसिटी आ काइनेटिक एनर्जी मते डिपेंडेंट आ वो जेका काइनेटिक एनर्जी आवा केते डिपेंड करदी वो डिपेंड करदी वेलोसिटी ते वो डिपेंड करदी स्टॉपिंग पोटेंशियल ते डिपेंड करदी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ते पर केनी फ्रीक्वेंसी f - f नॉट
आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाँ ये जिनके बात आज ग्राफ समझाया ना मैंने इन्हें जो मुतलिक जिनके रिलेशंस पढ़ाए इन्हें जो मुतलिक भी बस ग्राफ आए कोई बस ग्राफ केड़ा है कोई बस ग्राफ आए तो ही ड्रॉप है कोई बस तमाम सिंपल ग्राफ आए कोई करंट टाइम पोटेंशियल जे विच में ठांदुआ ग्राफ करंट टाइम पोटेंशियल जे विच में ए वर्टिकल एक्सिस में करंट लिखंदा होते रखंदा पोटेंशियल एड़े तरीके से इते भी सेम आईडिया है इते बसा बस लाइन ड्रॉ करदा सी एकड़ो होतो असावट करंट है जो असावट चाहे पोटेंशियल आई वी जे दरमियान में जेके ग्राफ ठांदा है अगर ता याद हो जे करंट इलेक्ट्रिसिटी में उन लॉ के जेबो ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट भाई ओम्स लॉ में जेको ग्राफ है वो स्ट्रेट ठांदो है हाने जेके ही कंडीशंस मा जेके डिवाइसेस ता के पढ़ाया तो पियो ये ओमिक डिवाइसेस ना है ये नॉन ओमिक आ है तो नॉन ओमिक जे अंदर स्ट्रेट ग्राफ को मिलो पहली गल तई आ ते ग्राफ ता के मिलो करो पर हाने ग्राफ किए कर मिलो बुझ जो अचूं था पहले ग्राफ से पहले ग्राफ की माता की कंडीशन बुदाया पहले ग्राफ की कंडीशन यह अव के इंटेंसिटी चार रखनी है इनकी सेम रखनी बट फ्रीक्वेंसी तीन चार रखनी है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से ग्राफ कि अचो बे ग्राफ से बे ग्राफ से असा क्यों डिफरेंट इंटेंसिटी इंटेंसिटी डिफरेंट करनी है बट फ्रीक्वेंसी तीनी सेम करनी है तो इनको ग्राफ दिस हाँ बुध बुझी गाल सेम इंटेंसिटी इंटेंसिटी के डिपेंड करती है तो कल कल डिस्कस किया नंबर ऑफ फोटॉन्स वो के डिपेंड करदो फोटो इलेक्ट्रिक करंट माने जी सर आंदो इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द करंट एते मा छा तो जवा इंटेंसिटी छा है तो वो करंट भी छा ठांदो गाल याद रखदो या यानी के बे ग्राफ ठांदा एकडे ग्राफ में करंट ही त बे ग्राफ में भी करंट छा ठांदो सेम ठांदो एनी द सेम करंट दिस जो करंट सेम करो छो करंट सेम आ छो तो इंटेंसिटी सेम सो इने इने ग्राफ जो आंसर चाहे बिनी में करंट की वैल्यू छा ठाणी आ करंट की वैल्यू ठाणी आ सेम अच्छा उने का बाद में डिफरेंट छा कयो आ फ्रीक्वेंसी के ते डिपेंड करदी पोटेंशियल ते अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आ तो पोटेंशियल भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जो मतलब आ डिफरेंट पोटेंशियल तब एकडी एकडी लाइन हते अची किरंदी एंड दी लाइन ओ हिने जगह ते ये तो ग्राफ बट डिफरेंट पोटेंशियल से बट डिफरेंट पोटेंशियल छो इन छो द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या पोटेंशियल के नालो दियो मैंने पोटेंशियल के मां चवा तो v1 इन पोटेंशियल के चवता v2 आणे बिनी के पाण में कंपेयर कयो बिनी के पाण में कंपेयर कयो तो ओरिजिन का परते केडो पोटेंशियल आ v1 या v2 तब चवनो v1 इज ग्रेटर देन v2 जे जो पोटेंशियल वधी को नजी फ्रीक्वेंसी वधी तो चवनो f1 इज ग्रेटर देन f2 पर बिनी जो करंट छा है सेम आ चवनो i1 इज इक्वल टू यो तो पे नबिया बट इनमें कंडीशन याद करो कंडीशन केड़ी आ सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अच्छा इनमें देखो डिफरेंट इंटेंसिटी अगर इंटेंसिटी डिफरेंट आ तो करंट भी तो डिपेंड कर दो अच्छा डिफरेंट करंट आयो एकड़ो ही करंट आ यो ही करंट आ ही करंट i1 आ ही करंट i2 आ या अना बहुत सिंपलीफाई इने के i2 कयो इने के i1 कयो करंट के जो घणो i2 या i1 जो बथे रहो पियो आ i2 इने जो मतलब आ i2 इज ग्रेटर देन i1 इने जो मतलब आ त जी इंटेंसिटी घणी उन जो करंट घणो त इंटेंसिटी घणी केड़े करंट वाले जी हुंदी i2 वाले बट जेका फ्रीक्वेंसी आ वा छाए अगर फ्रीक्वेंसी सेम त पोटेंशियल भी त वो भाई सेम लाइन ते छी किरदा बोथ एनी द सेम पोटेंशियल बिनी जो पोटेंशियल सेम आ जो पोटेंशियल सेम आ जो ते जी फ्रीक्वेंसी सेम आ तो याद रखी छ जो सेम पोटेंशियल बिनी जो को पोटेंशियल आ वो छा थियनो आ सेम थियनो आ यो त करंट ही पोटेंशियल जो ग्राफ ये बुक के अंदर ड्रॉ थियल था
બરાણે કન્ડિશન આવો કન્ડિશન પર ધ્યાન મે યાદ કરો એને એને મે ચાહે સેમ ઇન્ટેન્સિટી ડિફરન્ટ ફ્રીક્વન્સી એને મે ચાહે ડિફરન્ટ ઇન્ટેન્સિટી સેમ ફ્રીક્વન્સી બે ડિફરન્ટ ગાલ કવે ના જા તે પર ગ્રાફ જેને કરે કે જો તા આગે ન જો આઈડિયા મળી પડો ये ये डिफरेंट इन जा ग्राफ सा रिलेट करे सका हाने साई दास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ते आई असा के जवाब मिलंदो त हन जो जको स्लोप आ वो बजाय छाजे बराबर है पहला ने के नोट डाउन कयो मा ग्राफ ते कोन ड्राइंग नु परे रे थ्योरी रेस करना से कोई टॉपिक फाइनलाइज नहीं हो सका आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आई आइंस्टाइन के जको नोबेल प्राइज मिलो न वो इन जी वजह सा मिलो हो आइंस्टाइनस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आइंस्टाइन जो वो क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल कंदो आ आई क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल करे यो पूरो सिनेरियो डिफाइन कंदो जको जको असाइज ऑलरेडी डिफाइन करे चुका है इसे जो आइंस्टाइनस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में डिफाइन करना है अ क्लास इंटर में ता जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई हुई मा ता आईडिया नो तो बिल्कुल समझी थ्योरी हुई एकड़ी हुई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी होंगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन के उनते नोबेल प्राइज न मिलियो हो फेमस इक्वेशन इन ए इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर आइंस्टाइन के उनते नोबेल प्राइज न मिलियो हो 1921 में इन इक्वेशन जी बुनियाद ते इन के नोबेल प्राइज मिलियो हो जेके आइंस्टाइनस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन चवंदा आइंस्टाइनस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के आइंस्टाइन करे डिफाइन बुझ जो माने चार डिफाइन कयो इन तमाम सिंपल सिनेरियो आ आइंस्टाइन साहब चयो त सिर्फ हिकड़ो फोटॉन हिकड़े इलेक्ट्रॉन के बाहर कढे सके तो मैटर सरफेस मा यानी कि अगर मुके हिकड़ो इलेक्ट्रॉन मैटर सरफेस मा कढणो आ न तो घट मा घट केतरा फोटॉन दिया जस्ट वन जगन ब इलेक्ट्रॉन कढणा है त ब फोटॉन त्रे इलेक्ट्रॉन कढऊं त त्रे फोटॉन हाने थोड़ो टेक्निकल सोचो मा करता समझाई या गाल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वधन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए वधना जरे नंबर ऑफ फोटॉन्स वधन तो एकड़ो फोटॉन एकड़ो इलेक्ट्रॉन तो 100 फोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना घना निकलंदा करंट ओतरो घणो थिंदो आई नंबर ऑफ फोटॉन जितना वधिक निकलंदा माने इंटेंसिटी ओतरी वधिक निकलंदी सही तो सर सब सही सही तो साबित है पर या इन जी इक्वेशन आयो आ इक्वेशन छा डिफाइन कर दिया बुझ जो हाने मुजी गाल हेता जेका मा सडी अमाउंट ऑफ एनर्जी दीनी ग्राफ में समझाया हो हेते जेका सडी अमाउंट ऑफ एनर्जी दीनी असी ओना अमाउंट ऑफ एनर्जी जा बकम होया केड़ा बकम होया सबनी का पेया इलेक्ट्रॉन्स के छाती फाई फाई माने वर्क फंक्शन जेमा इलेक्ट्रॉन्स के बाहर कडे आई बाकी जेका एनर्जी बची उना मा इलेक्ट्रॉन के छा मिली तबो आइंस्टाइनस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आ जेका अमाउंट ऑफ एनर्जी ता नीदो उन जा बकम होंदा केड़ा बकम होंदा एकड़ो ता सा छा कदासी फाई दी वैल्यू उन में ऐड कदासी माना वर्क फंक्शन आई डी जका गिवन एनर्जी होंदी वा छामे तब्दील थी पवंदी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में ता सब इक्वेशन प्रूव करे सको था इनमा बुदो मुजी गाल अगर इलेक्ट्रॉन जी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी बने अगर इलेक्ट्रॉन जी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी बने त ई छाले बराबर थी सिर्फ फाई जे या मकुया ता डिस्कस कराई छु त अगर ई फाई जे बराबर थी त इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलदा पर काइनेटिक एनर्जी जीरो थी पवंदी आणे इक्वेशन लिखो ई जी जगह ते छाले कंदासी एचएफ फाई जी जगह ते छाले कंदासी hf नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी छाडे बराबर के सी ई बी नॉट या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में hf नॉट प्लस जो आईडी तो छाडे थी मतलब तब ये थी पोंदो hf माइनस hf नॉट इज इक्वल टू ई इनटू बी नॉट इन मा कॉमन छाए जस्ट h कॉमन आ बगिन वर्ड छा बजंदो आ इनवर्ड छा बजंदो f नॉट तरे ता बुदायो तो जका फ्रीक्वेंसी आ वो f नाले
12 माइनस एफ नॉट आ वही था रूट थी दिया एफ माइनस एफ नॉट अहिता छा बदो चार्ज इनटू पोटेंशियल अच्छा बदो आणि एफ माइनस एफ नॉट वारो टाइम मल्टीप्लाई जो करे हेडिया की डिवाइड कंदो ही चार हेडिया की डिवाइड करे तो एच रिमेंस सेम चार्ज अच्छी एरे डिवाइड कंदो तो एच अपॉन ई पोटेंशियल उते ही पयो हो वी नॉट एफ माइनस एफ नॉट मल्टीप्लाई जो करे हेडिया देवंदो सो एफ माइनस एफ नॉट इते रहयो आणि दिसो जेको पोटेंशियल आ उन पोटेंशियल के एफ माइनस एफ नॉट सा डिवाइड करना ते चार्ज जो आबी तो एच अपॉन ई जो इदो एच इन ग्राफ ते इन ग्राफ जो जेको स्लोप आ वो छाजे बराबर आ वी नॉट अपॉन एफ माइनस एफ नॉट आई उते भाई यो समझायो वी अपॉन एफ माइनस एफ नॉट पर यो पूरो टर्म छाजे बराबर आ एच अपॉन ई जे ते पूरो टर्म मा छाजे बराबर कंदो एच अपॉन पूरो टर्म एच अपॉन ई जे बराबर तो याद रखी छर जो इन ग्राफ जो जेको स्लोप आ ना वो प्लैंक्स कांस्टेंट कोने वो प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन चार्ज आ यानी कि एच अपॉन ई बाकी जेको पहिरो ग्राफ समझायो इन जो जेको स्लोप आ वो जस्ट प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर थी आई वो भी किए प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर थी तो हेरे दिसो ही ग्राफ ही इक्वेशन लिखी पई तव इन मा सेम लिखो एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट छाडे बराबर होयो काइनेटिक एनर्जी जे हाने इन मा एच कॉमन कडो बाकी छा बचंदो एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हे पूरो टर्म मल्टीप्लाई तो करे दिस छा कदो डिवाइड एच बराबर की कोंदो काइनेटिक एनर्जी अपॉन एफ माइनस एफ नॉट तो काइनेटिक एनर्जी के अगर एफ माइनस एफ नॉट सा डिवाइड करना सी चार्ज जवाब दो एच ही तो हेर दिसो काइनेटिक एनर्जी अपॉन एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी के बताएं सा काइनेटिक एनर्जी बदलती सही पर उतरे फैक्टर सा कान बदलती माना जे अगर 2 टाइम्स बताएं तो 2 टाइम न बदलती छो 2 टाइम कोन बदलती छो द पेरो कम एफ नॉट जो पहला वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कट करना सी वो जका फ्रीक्वेंसी बचे उन जे हिसाब सा काइनेटिक एनर्जी बदलती सो यो आईडिया याद रखी छ जो इन इक्वेशंस मा इता यो प्रूफ की पोंदो आ द स्लोप जा मा ता के आंसर्स दे छ जा दे स्लोप तव हे स्लोप तव इन जा ग्राफ दे खया बात अगर इन इक्वेशंस जा तो जका इक्वेशन आ 28 यो इक्वेशन हे थई पया hf hf not is equal to kinetic energy सेम कंडीशन लिखा hf hf not is equal to kinetic energy इन मा अगर ता चाहो तो वेवलेंथ की इक्वेशन भी ठाए सको था आई वेवलेंथ की इक्वेशन भी किए ठाए सको था या एकरी एक्स्ट्रा शिया बुक के अंदर वेवलेंथ कोन तो लिखे पहला तो आईडिया जा मा ता दिसो इन मा h कॉमन कडो तो बाकी छा बचंदो f f not is equal to kinetic energy मल्टीप्लाई तो करे ए जी छा कदो डिवाइड तो f f not is equal to kinetic energy अपॉन h सेम इक्वेशन लिखो f f not is equal to kinetic energy अपॉन h माने फ्रीक्वेंसी चारे बराबर होती है c अपॉन लैम्डा या द स्पीड अपॉन वेवलेंथ तो f की जगह दे वैल्यू रखो f की जगह दे रखना c अपॉन लैम्डा माइनस f नॉट की जगह दे रखना c अपॉन लैम्डा नॉट तो वेवलेंथ भी थ्रेशोल्ड की पहुंची या बराबर थी काइनेटिक एनर्जी अपॉन h इनन में कॉमन छ है c कॉमन आ मथा 1 बचंदो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन h h मल्टीप्लाई तो इते c मल्टीप्लाई तो कर x आ ची डिवाइड कंदो तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन hc तो वेवलेंथ की इक्वेशन भी असान ठाई जी फ्रीक्वेंसी समझाई ना ये ता वेवलेंथ की इक्वेशन भी ना ठाई सको तो अगर तो न्यूमेरिकल ता मान तो समझा बजा है और इक्वेशन पूछी वने ता इक्वेशन सा रिलेट करे सको बाकी जका मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन आवा जी तो ए इक्वेशन तो इनन मा ट्रिनी मा को बट दी तो हिप्रो टर्म ता के फाइंड करना चाहो तो ता उना मा इजी डिटरमाइन करे सको यो आ बेसिक आईडिया आइंस्टाइनस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इक्वेशन ता के जहन रखनी इक्वेशन एमसीक्यू जी बुनियाद पे पूछी सके तो
जी हे इक्वेशन मा तां के समझाई ये इक्वेशन एक्सप्लेन कई मा विनन जा स्लोप ओरे ठया पया तो या एग्जाम सा वेबलर इक्वेशन समझाई तो इक्वेशन तां के एमसीक्यू जे बुनियाद ले सके यो टॉपिक फाइनलाइज थिंदो आने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकरो नंडो एमसीक्यू जो मुके जवाब दियो को मा समझाता ता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रीवियस क्लासेस में इने क्लास में केत्रो गेन कयो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एकरे प्रोसेस जो रिवर्स हुंदो आ उन प्रोसेस जो नालो छ आए ये 2 टू 3 टाइम्स एमसीक्यू आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन एक्सरे प्रोडक्शन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रिवर्स प्रोसेस था एने में छातो थे लाइट अची मेटल सरफेस सा टकराई थी इलेक्ट्रॉन बाहर निकले एक्सरे प्रोडक्शन में छा थिदो आ इलेक्ट्रॉन वनी मेटल सरफेस सा टकराई जंदो आ एनर्जी लॉस कंदो आ उन मा जका एनर्जी आ बाहर निकरंदी आ बाहर निकरंदी आ त रिवर्स प्रोसेस था तो याद रखी चल जो बोथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे प्रोडक्शन बोथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सरे प्रोडक्शन आर रिवर्स ऑफ ईच अदर ये जी के बई प्रोसेस इन वे पे जा छा इन रिवर्स आ आर रिवर्स ऑफ ईच अदर ये बई एक बे जा रिवर्स कीता केड़ा एक्सरे प्रोडक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यो आईडिया याद रखी छ जो इने सा यो टॉपिक थी नो एंड अप रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इने के नोट आप कर दे डिफाइन थी दो या वेव नेचर ऑफ लाइट ते ता के चवनो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये का याद करी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉम्पटन इफेक्ट पेयर प्रोडक्शन या एनी रिलेशन ये सब ही पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट तो जी के टॉपिक के सापड़ा हम बात कर सो सा चौथा कॉम्पटन इफेक्ट आए छा बेसिक कांसेप्ट छा इट कॉम्पटन इफेक्ट जो कॉम्पटन इफेक्ट के फेडरल बुक के अंदर छा लिखे तो पियो कॉम्पटन स्कैटरिंग भी लिखे तो पियो कॉम्पटेंस इफेक्ट इज आल्सो नेम्ड एज कॉम्पटेंस स्कैटरिंग यानी कि कॉम्पटेंस स्कैटरिंग भी चवंदा है कॉम्पटेंस इफेक्ट वाज गिवन बाय आर्थर होली कॉम्पटन आर्थर एच कॉम्पटन बुक में लिखला आर्थर होली कॉम्पटन छा कंदवा इते असावट लाइट जी पार्टिकल नेचर के कंदवा डिफाइन सबनी का पे एमसीक्यू जी हुआ ते में जका असा लाइट जी इंटेंसिटी या एनर्जी यूज कंदा है उन्हें इंटेंसिटी या उन्हें लाइट की एनर्जी केतरी होती है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में केतरी एनर्जी बुदाई माता आगे 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेस थे हां इन्हें में एनर्जी याद करो जका गिविन एनर्जी हुजे 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जका गिविन अमाउंट ऑफ एनर्जी हुजे वो लेस देन एनर्जी हुजे जका सा कॉम्पटन इफेक्ट ला इस्तेमाल करें थोड़ो समझो इन सिनेरियो के मां छातो जमा द 0.51 इज लेस देन एनर्जी गिविन अगर इन्हें के उबतो करे पड़ा तो उबतो किए पड़ा एनर्जी इज ग्रेटर देन 0.51 2 is less than 3 उबतो पड़ो 3 is greater than 2 तो यो सारो आईडिया अच्छा जका अमाउंट ऑफ एनर्जी हुजे वो लेस देन हुजे वो छा का लेस देन हुजे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इन जो मतलब छा थियो इन जो मतलब आ जका एनर्जी आ ना वो 0.51 का मते आ आई हिक का घट आ माने 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में आ जने असा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ी असी तो ज्यादा का ज्यादा जका लाइट असा इस्तेमाल कई असी वो यूवी हुई फॉर ऑल मैटर्स ठीक है पर इन में जिके असा इस्तेमाल करना है वो केड़ी हुंदी आ इन में असा एक्स रेज भी इस्तेमाल कर सकू था या असा छा इस्तेमाल करना इन में गामा रेज इस्तेमाल करना ये इन का घट इस्तेमाल न था कर सकू था एडो एको रीजनेबल क्वेश्चन आ फेडरल बुक के अंदर चेतो कॉम्पटेंस इफेक्ट जे लाए विजिबल लाइट छोड़ो था इस्तेमाल कर सकू छो त विजिबल लाइट जी जका एनर्जी आ ना वो 0.5 का घट आ
जिनकी एनर्जी 0.5 टन का वधी पुजे आई 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का घटू जे तब असा वो लाइट इस्तेमाल करना सीखे जे लाइट कॉम्पटेंस इफेक्ट जे लाइट कॉम्पटेंस इफेक्ट चाहे उद जो आने कॉम्पटेंस इफेक्ट में असा इते एकरो एक्सरे फोटॉन इस्तेमाल करना सी इता एकरो एक्सरे फोटॉन इदो को एक्सरे फोटॉन इते टारगेट मटेरियल सा हिट करदो एक्सरे फोटॉन इदो को टारगेट मटेरियल सा हिट करदो हाने इते असा वट चाहे इते असा वट आए टारगेट मटेरियल ये असावट आए टारगेट मटेरियल जे टारगेट मटेरियल में छा पयोआ इलेक्ट्रॉन पयोआ फेडरल बुक में लिखे तो पयो तो जो को टारगेट मटेरियल ज्यादा करे असा खणदा आयो वो टारगेट मटेरियल केडोआ वो टारगेट मटेरियल आ ग्रेफाइट ग्रेफाइट टारगेट मटेरियल आ जेसा मा छा कनो जेसा मा एक्सरे फोटॉन अची हिट कनो उन एक्सरे फोटॉन जी एनर्जी याद करजो ये एनर्जी तो एक्सरे फोटॉन जी वो थीदो छा बाद में थीदो ये तो जेको एक्सरे फोटॉन आयो इन एक्सरे फोटॉन जी कान का एनर्जी आ जेके मा ई आई तो चवा ई आई माना इंसिडेंट एक्सरे जी एनर्जी उने का बाद में जेको एक्सरे आयो उन जी कान का फ्रीक्वेंसी आ जेके मा एफ आई तो चवा माना इंसिडेंट एक्सरे जी फ्रीक्वेंसी जेको एक्सरे इंदो उन जी कान का वेवलेंथ आ जेके लैम्डा आई चवंदा सी यानी के इंसिडेंट एक्सरे जी वेवलेंथ जेको एक्सरे इंदो उन जी कान का मोमेंटम आ जेके चार चवंदा सी इंसिडेंट एक्सरे जी मोमेंटम हाने यो जेको एक्सरे आ यो टारगेट मटेरियल सा टकराई जंदो आ टारगेट मटेरियल में छा मौजूद आ इलेक्ट्रॉन त एक्सरे कुछ एनर्जी के खे दीदो इलेक्ट्रॉन के त जेको इलेक्ट्रॉन आ वो छा थी पोंदो स्कैटर्ड थी पोंदो माने निकरी पोंदो बाहे इलेक्ट्रॉन छो स्कैटर्ड थयो छो त एनर्जी उन के मिली अच्छा सही आ को उन का को छा थी दो त जेको एक्सरे फोटॉन इन सा थी टकरायो होयो न त एक्सरे फोटॉन सजी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के नडी दो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के दीदो आई कुछ एनर्जी वरी पान सा गडही खणी हले वइदो यो आए स्कैटर्ड एक्सरे जेको एक्सरे हल्यो भयो उन के छा चवंदासी स्कैटर्ड एक्सरे आई जेको एक्सरे अचे तो उन के छा चवंदासी इंसिडेंट एक्सरे इन जी एनर्जी डिफरेंट होंदी जेके मा छा चवंदो ईएस मोमेंटम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट इन के स्कैटर्ड एक्सरे चवंदासी मां एकरी हॉरिजॉन्टल लाइन ठाइंदो उन हॉरिजॉन्टल लाइन मां एकरी एंगल ठांदी जे एंगल के छाड़ा लड़ीदा मसा थेटा एंगल लागदा सी जेके असा स्कैटर्ड एंगल चेबो माने जे एंगल ते हुआ वैल्यू स्कैटर्ड थैया हाने कॉम्पटेंस इफेक्ट समझ जो छा छा है कॉम्पटेंस इफेक्ट में जेको एक्सरे फोटॉन आयो उन जी एनर्जी छा हुई ई आई कुछ एनर्जी जिने इलेक्ट्रॉन के कुछ एनर्जी पान खणी गयो हाने ता मके यो बुझायो त टकराण था कोई एनर्जी घट थी वई या वधी वई तो तब कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गे नहीं इन जो मतलब है एनर्जी क्यों नहीं वधी का ई आई या ई एस मालिकी से कहा तो देते स्कैटर्ड जी एनर्जी लेस देन ना इंसिडेंट वाली एनर्जी सही है अच्छा ये जी एनर्जी घट तो रही फ्रीक्वेंसी पर घट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी पढ़ाई मां ता आगे तो मां चाहता हूं कि स्कैटर्ड वाले जी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट वाले जी फ्रीक्वेंसी का घटा जे जी एनर्जी घणी उन जी मोमेंटम घणी या जी एनर्जी घट तो मोमेंटम घट तो छा जो तो मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड इज लेस देन मोमेंटम ऑफ इंसिडेंस जे जी फ्रीक्वेंसी घट उन जी वेवलेंथ वधी बिकॉज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ द वेवलेंथ घणी के जी स्कैटर्ड वाले जी या इंसिडेंट वाले जी स्कैटर्ड वाले जी हाने इन जी डेफिनेशन इता ठांदी तव तो टकराण था वो वेवलेंथ वधी या घटी या वधी या इते डेफिनेशन ठांदी या कॉम्पटेंस इफेक्ट जी डेफिनेशन छा है इंक्रीज इन वेवलेंथ वेवलेंथ में इंक्रीज थे छा जो वे इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्सरेज स्कैटर्ड एक्सरे जी वेवलेंथ वधे स्कैटर्ड एक्सरेज आफ्टर आफ्टर कोलिजन टकराण का पोए आई के सा टकराण का पोए आफ्टर कोलिजन
आफ्टर कोलिजन टू इलेक्ट्रॉन माना इलेक्ट्रॉन के टकराने का बाद में उन चीज का वेवलेंथ इंक्रीज थी ना उन वेवलेंथ इंक्रीज करना चाहता हूं नाइन कॉम्प्लेक्स इफेक्ट यू आई बेसिक आईडिया रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स इफेक्ट मां थोड़ा ओवरव्यू ता में दिया एक्सरे फोटॉन ही तो वो कैसा टकराए जाते इलेक्ट्रॉन के कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के दी दो इलेक्ट्रॉन के करीब में कुछ एनर्जी पास नहीं द अमाउंट ऑफ एनर्जी घट थी भाई फ्रीक्वेंसी भी घट थी भाई आई मोमेंटम भी घट थी भाई पर जो वेवलेंथ आ हुआ बदी भाई जो इंक्रीज इन वेवलेंथ आ उनकी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट था यू आईडिया याद रखी चलिए रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स इफेक्ट या कॉम्प्लेक्स इफेक्ट पर सवाल यह है वेवलेंथ में कितनी चेंज आई वेवलेंथ में कितनी चेंज आई माता आगे आईडिया रेट का स्कैटर्ड दी वेवलेंथ इंसिडेंट वाली वेवलेंथ का बदी का जगह मैं चेंज इन वेवलेंथ मालूम करना चाहया तो चेंज इन वेवलेंथ की मालूम करना सी स्कैटर्ड माइनस इंसिडेंस स्कैटर्ड माइनस करना सी इंसिडेंट जगह सा के डिफरेंस मिला दो चेंज इन वेवलेंथ का वो या चेंज इन वेवलेंथ मालूम करना है आई चेंज इन वेवलेंथ सारे बराबर हो दिया h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos ऑफ थीटा हे तब इक्वेशन फॉर चेंज इन वेवलेंथ जगह वेवलेंथ की चेंज मालूम करनी है तो ने इक्वेशन ये आईया h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos ऑफ थीटा इन में जो को h अपॉन m नॉट c या इन के दिसो h अपॉन m नॉट c h चाहे m नॉट चाहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आई रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ता के खबर है कितना होंदो आ 9.1 * 10 पावर -31 kg रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चाहे अच्छा c चाहे स्पीड ऑफ लाइट ये सजा कांस्टेंट इन देन कांस्टेंट की वैल्यू रखंदा सी तो इन के साथ चार चवंदा इन के चवंदा हूं कॉम्प्लेक्स वेवलेंथ कॉम्प्लेक्स वेवलेंथ जे होता मैंने के आई एनर्जी अगर ता वैल्यू सॉल्व करनो ना एनर्जी वैल्यू मिला दी 2.43 * 10 रेस्ट टू द पावर -12 मीटर जो 10 पावर -12 वा यो पीक हुआ तब मैंने के ये लिखी सका दो 2.43 पिकोमीटर एने के ये लिखी सका याद रखी जब जो अगर ये कांस्टेंट वैल्यू सॉल्व पे हो यू गॉट दिस आंसर ताकि ये जो आंसर मिले तो जगह वेवलेंथ की चेंज आई हुआ चाहे बराबर हुआ बराबर h / m नॉट c 1 - cos ऑफ थीटा हां h / m नॉट c कांस्टेंट था बाकी जगह डेल्टा लैम्डा है यानी कि चेंज इन वेवलेंथ हुआ चाहे डिपेंड करदी एंगल पे तो याद रखी चल जो जगह शिफ्ट इन वेवलेंथ इंडिया ना शिफ्ट इन वेवलेंथ हुआ चाहे डिपेंड कर दिया डिपेंड्स अपॉन हुआ चाहे डिपेंड कर दिया डिपेंड्स अपॉन स्कैटरिंग एंगल याद रखी चल जो हुआ स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर दी स्कैटरिंग एंगल चेंज कर सा चेंज इन वेवलेंथ या शिफ्ट इन वेवलेंथ डिफरेंट मिलेगी आई की चेंज इन वेवलेंथ डिफरेंट मिलेगी बुझ जो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c 1 माइनस cos ऑफ थीटा और जगह माता अगर जमा थीटा इज इक्वल टू 0 अगर थीटा 0 थी वने तो पूछा की तो मां डायरेक्ट आंसर ता के बताया थीटा की जगह रखना सी 0 माना cos 0 आई cos 0 छा हुंदो 1 तो 1 माइनस 1 छा दी पोंदो 0 उन 0 के ने सा मल्टीप्लाई किया तने जवाब 0 ही दो माना इन केस में जका डेल्टा लैम्डा है वो छाडे बराबर थी दी अच्छा जका डेल्टा लैम्डा है वो छाडे बराबर आ दिसो लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 माइनस जो एडी दो ते प्लस जो डेल्टा लैम्डा एस इज इक्वल टू लैम्डा आई तो छा वेवलेंथ में चेंज आई या ना आई भाई पाण में बराबर बैठो भाई पाण में बराबर बैठो आई योर फेलो साइंटिस्ट टू योर रेले नॉलेज इन शेक यू ऑब्जर्व कर वो छा तो जे वो वेव नेचर के डिफाइन कर दो वो चाहो दो जने फोटॉन जी का इलेक्ट्रॉन से टकराए जदो ना तो इलेक्ट्रॉन भी ये निकल दो तो फोटॉन भी ये निकल माने भाई पैरेलल पैरेलल माने 0 एंगल एंड 0 एंगल तो यू ऑब्जर्व कर भाई बी कंडीशन दिसो जे कने जे कने थीटा की वैल्यू 90 थी बने 90 जो मतलब छा माने ये टकरे इलेक्ट्रॉन सा
इलेक्ट्रॉन ही आ जाओगे और एक्सरे फोटा मत ही आ जाओगे तब वो छाती में कॉस 90 रखा है कॉस 90 छाती दिया 0 1 माइनस 0 माना 1 और ना 1 के एन से मल्टीप्लाई करना सी यही जवाब ही माना डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h / m नॉट सी है ना पूरे कांस्टेंट टर्म जो जवाब छा होयो 2.43 * 10 पावर माइनस 12 है ना पूरे कांस्टेंट टर्म जो जवाब ये पूरा टर्म माता ने बुधाय है 2.43 * 10 पावर माइनस 12 पर ये बुझो जेकर थीटा 180 थी बनी 180 जो मतलब छा है माना यहां छे इलेक्ट्रॉन सा टकराए टकराए करे रीबाउंस थी हेलो बने रीबाउंस थी हेलो बने तब वो छा थी मरीसो cos 180 cos 180 छा हुंदो आ वो माइनस है माइनस मल्टीप्लाई करना से माइनस इनटू माइनस प्लस 1 प्लस 1 छा थी पोंदो तब जो को डेल्टा लैम्डा है वो बराबर थी पोंदो 2h / m नॉट सी 2h / m नॉट सी छाड़े बराबर आ 2.43 * 10 पावर माइनस 12 मीटर 2 टाइम 3 इज 6 2 टाइम 4 इज 8 2 टाइम 2 इज 4 * 10 रेस टू द पावर माइनस 12 मीटर मिल जाओ ये ता डिफरेंट वैल्यू देना महा 90 थी और 0 थी एंड 180 थी ये रे जा ट्रेड रिजल्ट है कि रिजल्ट भी दिसो अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाए तो cos 60 छा हो दिया 1/2 1 माइनस 1/2 माने एक माध्य हो जाए अदु बचो वो अद वरी ने सा मल्टीप्लाई करना से डिवाइडेड बाय 2 तो डेल्टा लैम्डा सारे बराबर थी तो h / m नॉट सी आईने 2 से ही करना से तो कोई h / m नॉट सी छड़े सजो छाड़े बराबर 2.43 तो 1/2 रिमेंस सेम इनटू 2.43 इनटू 10 रे टू द पावर -12 मीटर इन पूरी वैल्यू के 2 से डिवाइड कर दो जेको भी जवाब है वो लिखना सी 10 पावर -12 यो थवे जो बता बुधाय छो मुके 2.43 डिवाइडेड बाय 2 1.21 into 10 power minus 12 meter. ये तो इन्हें जानते हैं। हाँ ये वाइ टोटली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है तो कहाँ से समझेंगे तो? कॉम्प्लेक्स स्कैटरिंग भी नहीं चेंज हुआ, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट भी नहीं चेंज हुआ। याद रखिए चल जो कॉम्प्लेक्स इफेक्ट में जिसका वेवलेंथ की चेंज ही दिया, वो अच्छा दे डिपेंड कर दिया स्कैटरिंग एंगल पे। इक्वेशन के लिए इस्तेमाल कही सी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा जने ये स्कैटरिंग थी दिया तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एप्लीकेबल आ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन में एनर्जी भी एप्लीकेबल होती तब एंड जो चा हुंदो आ जो होती तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एप्लीकेबल था ये भाई कंडीशन से ना सही था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सही साबित हुई दिया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी सही साबित हुई बोथ आर एप्लीकेबल इन दिस सिनेरियो डेल्टा लैम्डा चाहे बराबर के होसी लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा दी इक्वेशन ता रेट कर सकता अगर स्कैटरिंग एंगल पूछे हे स्कैटरिंग वेवलेंथ पूछे तो माइनस जो है ये करेंगे प्लस हो बाकी ना इक्वेशन से रेट कर सकता पाजे बुक में का फ्रीक्वेंसी वगैरह न तो लिखे तने के ना फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकता अगर करना चाहिए तो मेरा लियो कांसेप्ट का रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स इफेक्ट द सेकंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट थी दिया मुकम्मल पहली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था एंड सेकंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सामर्थ्य है कॉम्प्लेक्स इफेक्ट ये टॉपिक इधर भी तो फाइनलाइज बाकी प्रो लेक्चर करना सी को एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की फाइनलाइज